हेलो दिव्यान, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स के तीसरे महामैराथन में या मैराथन में सॉरी आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स के इस दूसरे पार्ट में जो पिछली क्लास में टॉपिक रह गए थे उनको और इसके अलावा कुछ और टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये यूनिट आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा और क्वांटम फिजिक्स और इसके अलावा एक टॉपिक है लास्ट में साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सीलरेटर और सुपर कंडक्टिविटी। तो ये जो टॉपिक है इनको और इस पूरे यूनिट के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्लास होगी इस पूरे यूनिट की मॉडर्न फिजिक्स की, फिर जाकर के ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और तो कल तो अचानक से डिसीजन बदलना पड़ा आपकी क्लास का, जबकि मैंने शेड्यूल लगाया था, सारी प्लानिंग थी, मैटर भी रेडी था, सिर्फ हम रेडी नहीं थे, पढ़ाने की अवस्था हम बिल्कुल नहीं थे कल। तो हमें लगा कि अगर कल की क्लास चाहते तो ले लेते किसी भी हालत में, लेकिन अगर कल की क्लास ले लिए होते, क्योंकि परसों वाली क्लास के बाद ही थोड़ी दिक्कत हो गई थी मुझे, और आपने देखा होगा कि उसमें एंड होते होते लगभग लेक्चर के हालत थोड़ी सी खराब होने लगी थी। तो कल मैंने शेड्यूल लगाया था और लगभग 2-2.5 बजे के आसपास मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, और अगर ले लिया तो फिर अगले कई दिनों के लिए गंभीर स्थिति हो सकती है, तो इसलिए उस क्लास को हमने कल कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो तबीयत तो ठीक है, फिलहाल ठीक है, कल से अच्छा है, और ज्यादा तेज नहीं बोल पाएंगे और बहुत ज्यादा लंबी क्लास लेट नाइट तक नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने टाइमिंग भी थोड़ा चेंज किया है। 8:30 बजे से स्टार्ट होगा आपका, 10-10:30 मतलब जो टॉपिक हमारा टारगेट है, अगर वो कंप्लीट होने में थोड़ा बहुत बच रहा है तो उसको कवर कर लेंगे बढ़ा के, अदरवाइज 10:30 बजे तक कंप्लीट कर देंगे, मतलब उसको पढ़ा करके क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ठंडी का मौसम है, 10:30 बजे के बाद वैसे भी आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपका कम आता है और थोड़ी दिक्कत भी होती है मैं समझता हूं, तो इसलिए ये सारा कुछ प्लान किया गया है, ठीक है। इसी पैटर्न पर आगे चलेंगे। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपके साथी हैं, जो भी बैचमेट्स हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं लेक्चर को, सभी लोग आ जाए, मैं स्टार्ट करता हूं। और पिछली क्लास में आपको पता है कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में, एक्सरे के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा को कंपेयर करके देखा था, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स में। तो आज की इस क्लास का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, तो इसमें हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं पहले से ही क्या क्या हमारा टारगेट है आज की इस क्लास का। तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, और रेडियो एक्टिविटी के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा लेंदी है, इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्प्टन इफेक्ट है, और उसके बाद ये पूरा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो आपके फंडामेंटल इंटरेक्शन होते हैं उनकी बात करेंगे, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे फंडामेंटल इंटरेक्शन है ये, बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियर फिजन है, फ्यूजन है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, सेमी इंपीरिकल मास फार्मूला है, ठीक है ना। इतने सारे टॉपिक को आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे, अगर ये 2-2.5 घंटे में हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो बच जाएगा उसको अगली क्लास में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग आ गए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज आप लोगों की संख्या काफी कम दिख रही है, मुझे लग रहा है टाइमिंग का कुछ इशू हो गया है काफी लोगों के साथ, क्योंकि 9 बजे से क्लास होती थी, बट ये करना पड़ेगा, तो ठीक है। देखिए, इसमें रेडियो एक्टिविटी में आपको पता है रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ वन आर मोर पेनेट्रेटिंग रेडिएशन लाइक अल्फा बीटा और गामा रेज इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं नेचर में जिनसे अपने आप, ये वर्ड आप देख लीजिए, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप कुछ पेनेट्रेटिंग रेज निकलती हैं। कौन कौन सी रेज, या तो अल्फा निकलेगी या तो बीटा निकलेगी और उसके साथ में गामा निकलती है, ठीक है ना। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, या तो अल्फा निकलता है पहले
मतलब एक साथ दोनों नहीं, या तो अल्फा निकलेगा या तो बीटा निकलेगा, और उसके साथ में फिर गामा निकलता है, गामा रेडिएशन। तो एक्चुअल में अल्फा और बीटा यहां पर पार्टिकल्स हैं, और ये गामा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपने पिछली क्लास में देखा भी था गाय यूवी इन माई रेडियो में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नाम था गामा रेज। तो ये गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन ये जो अल्फा और बीटा है ये पार्टिकल्स है। इन पार्टिकल्स को हम यहां पर कई बार रेज भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अल्फा या बीटा जो है वो रेज नहीं है, वो पार्टिकल्स हैं, उनका मास होता है अपना प्रॉपर, और जो गामा है वो रेडिएशन है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी को किस फेनोमेना, किस फिजिकल कंडीशन को चेंज करके हम इसके इस पूरे प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस या न्यूक्लियर प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस या न्यूक्लियर प्रोसेस है। इसका मतलब कि ये प्रोसेस अपने आप होता है, इसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई चेंजिंग एनी फिजिकल कंडीशन, किसी भी भौतिक अवस्था को, किसी भी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी और चीज को आप चेंज करके रेडियो एक्टिविटी पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा ये जो रेडियो एक्टिविटी की हम बात करते हैं, इसमें जो अल्फा बीटा और गामा रेज है, पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज को यहां पर स्टडी करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि कौन से केस में अल्फा डिके होता है, कौन से केस में बीटा डिके होता है, और कौन से केस में गामा डिके होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात नेचर की करें अल्फा बीटा और गामा की, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्चुअल में हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो आपको पता है हीलियम मतलब क्या, 2HE4, इसका मतलब दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दो न्यूट्रॉन है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, और इसके इस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर एक यहां। तो ये पूरा हीलियम एटम का स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, और ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव नेचर है। ठीक है ना, न्यूक्लियस है तो फिर पॉजिटिव होगा। बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। ये ध्यान रखिए आप, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन का मतलब क्या, न्यूक्लियस से निकलने वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। ठीक है, न्यूक्लियस से निकलने वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, फिर वहां से बीटा पार्टिकल कैसे निकला? तो इस चीज को हम थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको ध्यान रखें कि न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होने वाले फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और ये गामा रेज क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान रखना है यहां रेज भले ही लिखा जाता है लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल्स थे। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, और ये आपका न्यूट्रल है या रेडिएशन है। ठीक है, अच्छा ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो, आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, क्लियर है, आवाज सही नहीं है सर। नहीं, बाकी लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं आ रही है।
ठीक है, तो अच्छा नॉइज आ रही है, तो ऐसा एक काम करते हैं कि एक सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, एक सेकेंड का ब्रेक लेते हैं और माइक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप लोग एक सेकेंड बस वेट करिए। ठीक है, हमने चेंज कर दिया है, आई थिंक अब सही हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर हम मास की बात करें अल्फा बीटा और गामा की, तो अल्फा पार्टिकल के मास में आप देखिए, अगर ये आपका अल्फा पार्टिकल है, इसमें दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, और हर एक प्रोटॉन का मास आपको पता है लगभग कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। ये प्रोटॉन का भी मास होता है और ये न्यूट्रॉन का भी मास होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। प्रोटॉन के मास की बात करें तो ये नंबर 1.672 यहां पर 26 होता है, और जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो आता है 1.6724, है ना, इतना ही डिफरेंस होता है आई थिंक। हाँ ठीक, नहीं नहीं यहां पर 49, यहां पर 49, तो 1.6726 × 10⁻²⁷ किलोग्राम ये प्रोटॉन का मास हो गया, और न्यूट्रॉन के मास में यहां पर 10⁻²⁷ किलोग्राम सेम ही होता है, बस आप डेसिमल के थर्ड फोर्थ डिजिट तक जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, लेकिन ओवरऑल ये सेम ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का मास है, या कह लीजिए चार प्रोटॉन का मास है या चार न्यूट्रॉन का मास है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है, तो हम चार गुना कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन का या मास ऑफ न्यूट्रॉन का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा। बीटा पार्टिकल चूंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम, तो ये बीटा पार्टिकल का मास हो जाएगा। और गामा रेडिएशन की बात करें तो ये रेडिएशन है, इनका अपना कोई मास नहीं होता है, इसलिए इनका रेस्ट मास हो जाएगा जीरो। अल्फा पार्टिकल के चार्ज की बात करें तो देखिए दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉनों के पास कितना चार्ज हो जाएगा, एक के पास प्लस ई तो दो के पास प्लस टू ई, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ई चार्ज, और ये रेडिएशन है तो इसके पास कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा निगेटिवली चार्ज है, तो देखिए बीटा जो निगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, और अल्फा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई, लेकिन गामा के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेडिएशन है, ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे जा रही है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, और इसके ऊपर एक प्रॉपर सवाल पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, इसमें कह रहे हैं कि आयनाइजेशन पावर, तो आपको अल्फा बीटा और गामा की बात करें तो इनके आयनाइजेशन पावर और पेनेट्रेशन पावर का ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप देखें इसमें इसमें आयनाइजेशन पावर की बात करें तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि गामा जो रेडिएशन है उनका आयनाइजेशन पावर सबसे कम, और इनसे 100 गुना ज्यादा आयनाइजेशन पावर होता है बीटा का, और इनसे भी 100 गुना ज्यादा जो आप कह सकते हैं आयनाइजेशन पावर होता है वो होता है अल्फा पार्टिकल का। देखिए आयनाइजेशन पावर जो है ना वो एक तरह से मास के ऊपर डिपेंड करने वाला फैक्टर है,
मास और वेलोसिटी, यानी एक तरह से पूरी उसकी एनर्जी कह लीजिए। तो ये जो आयनाइजेशन पावर है वो मास के ऊपर डिपेंड करने वाला टर्म है। तो जो चीज जितनी भारी होती है आप कह सकते हैं वो उतना ज्यादा किसी चीज को आयनाइज करेगी, ठीक है। तो इसका ये आयनाइजेशन पावर सबसे कम है, लेकिन ये भारी पार्टिकल हुआ इससे, ये तो इसके पास कोई रेस्ट मास तो होता नहीं, काइनेटिक मास होता है इसका, तो इससे ये भारी हुआ और इससे ये भारी हुआ, तो उसी ऑर्डर में आपको यहां पर इनका आयनाइजेशन पावर भी मिल जाएगा। पेनेट्रेशन पावर की बात करें तो पेनेट्रेशन पावर E इक्वल टू एच न्यू वाला फार्मूला होता है, E इक्वल टू एच न्यू, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा पेनेट्रेशन पावर। तो यहां पर पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन पावर होती है गामा रेज की। तो अगर हम यहां से कंपेयर करते हुए चले तो अल्फा पार्टिकल की पेनेट्रेशन पावर सबसे कम और इनसे 100 गुना ज्यादा, यही ऑर्डर बिल्कुल उल्टा चलेगा, 100 गुना ज्यादा होता है बीटा का और इनसे भी 100 गुना ज्यादा या इनसे 10,000 गुना ज्यादा होता है गामा रेडिएशन का, ठीक है ना। तो पेनेट्रेशन पावर और आयनाइजेशन पावर को बिल्कुल आप मिस मत करिए, इसको आप याद कर लीजिए। अगली क्लास में हम इनके ऊपर बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, एक बात यह है कि जैसे हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 82 तक जो पार्टिकल्स हैं वहां तक तो ठीक है, 83 तक, 83 के बाद के जो पार्टिकल्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 83 के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 83 वाला एलिमेंट बिस्मथ एक हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट है, सबसे भारी स्टेबल एलिमेंट का नाम है बिस्मथ 83-209, इसको आप याद कर लीजिए। और इसके साथ साथ एक और सवाल है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, देखिए हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट और मोस्ट स्टेबल एलिमेंट में डिफरेंस है। मोस्ट स्टेबल का मतलब कि जितने भी स्टेबल एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल एलिमेंट होता है वो होता है आपका आयरन, एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी और डिटेल में। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है और ये सबसे ज्यादा हैवी सबसे भारी स्टेबल एलिमेंट है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है लेकिन ये सबसे भारी है, इसका मास नंबर या मास कह लीजिए इसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट है और ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। तो ये जितना भी स्क्रीन पर हमने लिखा था पूरा एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, तो एक चीज यहां पर है कि सोडी फजांस डिस्प्लेसमेंट रूल जो ये कहता है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जब अल्फा या बीटा और गामा रेडिएशन इमिट होती हैं निकलती हैं तो उसके बाद उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए तो अल्फा डीके होता है, तो अल्फा डीके होने पर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के मास नंबर में 2 की कमी, सॉरी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मतलब कि उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटॉनों की संख्या 2 भर जाएगी और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 4 हुए, तो न्यूक्लियॉनों की संख्या में 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अगर एक अल्फा पार्टिकल का डिके हो जाए तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 और इसके मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, बीटा डिके की अगर बात करें तो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जब -1e0 यानी कि एक फास्ट मूविंग न्यूक्लियर ओरिजिन का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 की इंक्रीमेंट हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसके मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसके मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है नहीं, और ये मास नंबर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर एक बीटा डीके होता है तो ये 1 बढ़ गया लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक बात और आपको ध्यान रखना कि यहां बीटा डीके बोलने से हमारा मतलब है बीटा माइनस डीके। एक्चुअल में बीटा पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, लेकिन जब जनरली हम सिर्फ बीटा बोलते हैं तो इसका मतलब हमारा होता है इस वाले बीटा से, तो यहां पर बीटा डीके का मतलब बीटा माइनस डीके, ठीक है। और बीटा माइनस डीके में बात होती है इलेक्ट्रॉन की और बीटा प्लस डीके में बात होती है पॉजिट्रॉन की। हम आपको बता देते हैं यहां पर जो प्रोसेस होता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो 1 इलेक्ट्रॉन बनता है और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, और जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में तो 1 पॉजिट्रॉन बनता है और 1 उसका एंटी पार्टिकल बनता है।
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। यहां पर इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा माइनस डीके। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो बोलेंगे बीटा माइनस डीके, जब इसी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन डीके होगा तो इसको हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। तो जब बीटा डीके, बीटा माइनस डीके होता है तो यहां पर एक बढ़ेगा और यहां कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर बीटा प्लस की बात होती, प्लस वन ई पावर जीरो, यानी कि ये बीटा प्लस डीके हो रहा है या फिर पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा नहीं बल्कि एक घटेगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जब कुछ नहीं बोला जाता है तो ये अंडरस्टूड है कि वो बीटा माइनस डीके की बात हो रही है, ठीक है। चलिए दोनों टाइप भी आप याद कर लीजिए। गामा डीके में क्या होगा, गामा एक रेडिएशन है तो इससे कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट वाला एटम था वो अब आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा या स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। गामा रेडिएशन के निकलने से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के स्टेट में फर्क आता है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हम आपको अब यहां पर यह बता देते हैं कि अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके किस किस कंडीशन में होते हैं, मतलब कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा डीके होगा, किस केस में बीटा डीके होगा और किस केस में गामा डीके होगा, ठीक है। देखिए किसी भी अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो उस सब्सटेंस की स्टेबिलिटी के कुछ कंडीशन होते हैं, जिनको समझने के लिए आपने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ जो हमें मिलता है कुछ इस तरीके का। ये ग्राफ अगर हम स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के बेसिस पर देखें, तो हमें ये ग्राफ ऐसे और इसके बाद फिर कुछ इस तरीके से ये मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहां तक, यानी कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 तक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसके लिए सेम होते हैं वो इसके ऊपर लाई करते हैं और वो स्टेबल होते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो लगभग बराबर होता है, यानी कि 1 के आसपास आता है, और ऐसे सभी सब्सटेंस या एलिमेंट स्टेबल होते हैं। तो यानी कि एटॉमिक नंबर 20 के बीच में अगर कोई भी एलिमेंट है और वो अनस्टेबल है तो उसकी जरूरत यह है कि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो को इक्वल करना चाहता है। तो जो हमारे नॉर्मल एलिमेंट होते हैं 1 से लेकर 20 तक के, उन सब की अगर हम बात करें तो उन सब के केस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 होता है, इसीलिए वो सब स्टेबल होते हैं। लेकिन 20 के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जिनका आइसोटोप रेडियो एक्टिव हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटोप है 1H3 वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया, तो जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो एटॉमिक नंबर तो वही है ना, कार्बन है तो 6 ही रहेगा और हाइड्रोजन है तो 1 ही रहेगा। तो 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर के बीच में कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो किसी का आइसोटोप भी हो, अगर उसको आप चाहते कि वो स्टेबल हो तो उसके लिए ये जरूरत है कि उसके लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये 1 से बहुत ही ज्यादा हो गया, 1 के ऊपर चला गया, तो वो स्टेबल नहीं होगा, उसको अपने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को चेंज करना होगा ताकि इनका रेशियो 1 हो जाए, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके अलावा 20 से ऊपर और 83 के पहले, 20 से ऊपर और 83 के पहले के जो एलिमेंट हैं वो जो यहां पर पाए जाते हैं इस वाले बेल्ट के ऊपर, इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या 1.6 के आसपास होना चाहिए, मतलब लगभग इतना होना चाहिए, तो फिर वो स्टेबल रहते हैं। मतलब जो एलिमेंट थोड़े हैवी हैं, एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा वाले हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी के लिए कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 या 1.6 के आसपास होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा हो जाती है, तो रेशियो जो है 2 बन जाता है, 3 बन जाता है, कुछ और बन जाता है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि इनका जो रेशियो है वो 1.5 से काफी कम हो जाता है, 1.2 1.1 हो जाता है। तो ऐसे किसी भी केस में अगर इस रेंज में लाई करने वाला आपका एलिमेंट है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 रहेगा या उसके थोड़ा आसपास रहेगा, तभी वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको पता है इसके ऊपर वाले तो सारे लोग अनस्टेबल होते हैं या रेडियो एक्टिव होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो, और उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ऐसे केस में उसके न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करना होगा किसी मेथड से, ताकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 बन पाए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर है, 83 के बीच में है, और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हो गई, तो ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को कम करना होगा ताकि उनका रेशियो 1.5 के आसपास आ जाए। तो होता क्या है कि जो बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियस है, उन हैवी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये दोनों के दोनों रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को कम करने की जरूरत है, है ना। यहां पर एक बात है, अब ये बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी इसलिए मैं इस चीज को स्किप करना चाह रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है अट्रैक्टिव नेचर का, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो होता यह है कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जब ज्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम ये होता है कि प्रोटॉनों के बीच का जो रिपल्सन होता है वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में जो काम करने वाला या इनके आपस में काम करने वाला जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उससे ज्यादा हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से कहीं ज्यादा हो जाता है, और इस वजह से आपका पूरा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि जितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है यानी जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है उतना ही रिपल्सिव फोर्स भी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काम करना चाहिए, तभी वो स्टेबल रहेगा। दोनों में से एक भी ज्यादा या कम हुआ तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को कम करने की जरूरत होती है, और दोनों को कम करने के लिए अल्फा पार्टिकल का डिके होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखिए कि हैवी न्यूक्लियस में जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन काफी ज्यादा हो जाते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए अल्फा पार्टिकल का डिके होता है, जिससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कम हो जाते हैं, और उनका रेशियो जब 1.5 के आसपास हो जाता है तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर कोई हल्का न्यूक्लियस है और उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉनों से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन से ज्यादा हो गया तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा यानी बीटा माइनस निकालेगा, और एक यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। और कभी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया न्यूट्रॉन से, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हो गया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, और एक यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलेगा, है ना। तो अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया तो न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर दीजिए प्रोटॉन में, प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए न्यूट्रॉन में। तो ये तरीका होता है, मतलब इनको आपस में ऐसा एडजस्ट करने के लिए कि ये जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो की वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो हैवी न्यूक्लियस में अल्फा डीके, और जो सिंपल न्यूक्लियस हैं छोटे न्यूक्लियस हैं उनमें बीटा डीके, बीटा में भी बीटा माइनस बीटा प्लस, बीटा माइनस तब होगा जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस टाइम, और बीटा प्लस डीके तब होगा जब प्रोटॉन ज्यादा हो गए होंगे उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तब ये डीके हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है आपका ये गामा डीके, तो गामा डीके हर एक केस में होता है, किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से चाहे अल्फा डीके हो चाहे बीटा डीके हो, दोनों नहीं होता है एक साथ, चाहे अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो, उसके बाद आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको कुछ एनर्जी इमिट करनी होती है फोटोन के रूप में, जिसे हम गामा डीके बोलते हैं। गामा जो रेडिएशन होती है उसके उसकी एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी वाले फोटोन इमिट होते हैं, तो उसको हम गामा डीके बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा और उसके बाद फाइनली गामा डीके हो जाएगा और आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्टेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना ही है, बाकी अगर आपको इसको काफी डिटेल में पढ़ना है, अब यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर सकता हूं, बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमने YouTube पर भी पढ़ाया हुआ है सप्लीमेंट्री लेक्चर के अंदर, जिसका नोट्स हमने ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही साथ जो हमने आपको ऐप के ऊपर बाकी कंटेंट अवेलेबल कराए हैं ग्रेजुएशन के, उसमें काफी डिटेल में ये डिस्कस किया गया है, तो आप वहां पर बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे के लेक्चर होंगे इन टॉपिक के ऊपर, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहां बस हम समअप कर रहे हैं इस बात को ताकि पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो सके, ठीक है। चलिए चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को तो बीच में आप बता दिया करेंगे।
तो यहां पर देखिए रेडियोएक्टिव डीके लॉ, रेडियोएक्टिव डीके लॉ यहां पर एक लॉ है जिसको आप याद करें कि कोई भी जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है उसके डीके होने का क्या लॉ होता है, किस बेसिस पर वो कैसे डीके होता है, उसकी रफ्तार क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी, रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव एटम एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। करें कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इसके जो डीके होने की रेट है, मतलब किस रेट से ये डीके होगा, मतलब कितने समय में कितना एटम डीके हो जाएगा, वो डीके होने की जो रेट है वो इसके नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है फिलहाल में उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर ज्यादा एटम है तो ज्यादा तेजी से डीके होगा, कम एटम हो गए तो नंबर ऑफ एटम कम हो गए तो रेट ऑफ डीके भी कम हो गया, क्योंकि रेट ऑफ डीके नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप मान लीजिए 1 किलो का आपका कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो शुरुआत में ये बहुत ज्यादा तेजी से डीके हो रहा होगा, लेकिन जब ये 1 किलो से मान लीजिए घट करके आधा हो गया, अब इसके डीके होने की रेट भी पहले से आधी हो गई क्योंकि नंबर ऑफ एटम भी पहले से आधी हो गई, है ना। अभी ये आधे किलो से आपका 250 ग्राम का हो गया तो अभी जो रेट ऑफ डीके है वो इसका भी आधा हो गया, मतलब इससे भी आधी रफ्तार से ये डीके हो रहा है। तो आप बताइए जरा कि जब ये 1 किलो का था तब इसका कुछ रेट ऑफ डीके था, मास आधा हुआ या नंबर ऑफ एटम आधा हुआ तो रेट ऑफ डीके भी आधा हो गया, फिर से आधा हुआ तो फिर से रेट ऑफ डीके आधा हो गया, फिर से आधा हुआ तो फिर से रेट ऑफ डीके आधा हो गया। इस बेसिस पर अगर हम देखें तो कितना टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से खत्म होने में, इसको कितना टाइम लगेगा इस तरीके से कंप्लीटली डीके होने में, इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम जैसे जैसे कम हो रहे हैं उसी रफ्तार में डीके होने की रेट भी घट रही है, इस वजह से पूरी तरह से इसको डीके होने में इनफाइनाइट टाइम लगेंगे। और इसको हम जब यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन को इधर ले आएंगे, डीटी को इधर ले जाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिला एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी, मतलब टी टाइम के बाद जो एटम बचा डीके होने के बाद, टी टाइम डीके होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम बचा उन एटम की ये संख्या है। और एन नॉट क्या है, शुरुआत में टी इक्वल टू जीरो पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम था वो एन नॉट है, और जो टी है वो टाइम लगा है जितना टाइम में आप बात कर रहे हैं। और ये जो लैम्डा है इसको हम बोलते हैं डीके कॉन्स्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। इस फार्मूले से आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम टी की जगह पर रख दें इनफाइनाइट तो हमें ये जो एन की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, तब जाकर के एन की वैल्यू मिलेगी जीरो। टी की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट, दैट मींस 1 अपॉन ई पावर इनफाइनाइट, और ई पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो। तो यानी अगर आप टी की वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट तो एन की वैल्यू आएगी जीरो, मतलब बचे हुए एटम की संख्या जीरो होगी। तो जीरो एटम बचने के लिए या पूरी तरह से डीके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और उसी का ये ग्राफ है टी और एन के बीच में, ये आप याद रखिएगा। यहां लगभग पैरेलल है, दैट मींस ये लाइन इसको टच करते करते इनफाइनाइट तक चली जाएगी, मतलब इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा नंबर ऑफ एटम को जीरो होने में। और यहां पर लॉग एन की अगर बात करें, ये जो आपका ग्राफ है, अगर हम लॉग एन और टी के बीच में ग्राफ वो करें, इसको आप डिवाइड करके लॉग ले लीजिए दोनों साइड का, तो लॉग एन और टी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का मिलता है। तो ये ग्राफ आपको याद रख लेना है, दोनों ग्राफ आपको ध्यान रख लेना है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहां पर देखिए ये जो लैम्डा है जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इस लैम्डा की डिफिनीशन के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नंबर है, इसको ध्यान रखना है। लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन टी अगर रखा जाए, दैट मींस टी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा रखा जाए, तो क्या मिलेगा इस फार्मूले से, तो जब आप टी की जगह पर 1 अपॉन लैम्डा रखेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, ई पावर माइनस 1 आएगा जिसको आप 1 अपॉन ई कर देंगे, तो एन इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई हो जाएगा, और ई की वैल्यू 2.718 एक्सपोनेंशियल है ये जो फंक्शन 2.718, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.368 एन नॉट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ऐसा टाइम होता है, सॉरी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है कि अगर उसके रेसिप्रोकल के इक्वल टाइम, अगर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल टाइम में हम देखें तो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ एटम बचते हैं वो इनिशियल नंबर के 0.368 होते हैं, या ये कह लीजिए कि 0.36.8% हो जाते हैं, ठीक है।
किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की अगर हम बात करें और कितना टाइम लगा दें डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल, तो जो नंबर ऑफ एटम बचेंगे वो कितने परसेंट बचेंगे इनिशियल नंबर के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल नंबर के रिस्पेक्ट में जो बचे हुए एटम्स होंगे उनका परसेंटेज होगा 36.8%। इसलिए आपको ये नंबर याद रखना है। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से जब भी सवाल पूछा जाएगा तो या तो मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह तो यहां पर ठीक है, बाकी एक ये डाटा है जो यहां से निकल के आता है कि ये इतने परसेंट एटम बचते हैं इतने इसके रेसिप्रोकल के इक्वल टाइम में, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, परसेंटेज में पूछेगा परसेंटेज में बताइएगा, अदरवाइज ऐसे बता सकते हैं 0.368। वही चीज हमने यहां पर लिखा हुआ है कि लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम्स इन अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूसेस टू 36.8% ऑफ देयर इनिशियल नंबर, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है हाफ लाइफ। आपको पता है हाफ लाइफ का मतलब कि जितने समय में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का 50% डीके हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, या कह लीजिए आधा डीके हो जाए आधा बच जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। और इसका फार्मूला है हाफ लाइफ इक्वल टू, आप इसको वहीं से निकाल सकते हैं, ये फार्मूला जो था आपका एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां से अगर आप इस टाइम को निकालना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि इस टाइम में जो बचा हुआ नंबर ऑफ एटम है वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम का आधा है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिलता है लॉग लॉग लेकर के टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में लैम्डा, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना कि ये जो हाफ लाइफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ एटम के। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो नंबर हाफ लाइफ होता है वो नंबर ऑफ एटम यानी इनिशियल नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, आप इस बात को समझिए। और यहां पर एक चीज और देखिए कि ये अगर इनिशियल नंबर पर डिपेंड नहीं करता, आप देखिए अगर ये मान लीजिए आपके पास एक कोई सब्सटेंस है हाफ लाइफ में ये आधा डीके हो जाएगा, मान लीजिए ये एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इसका हाफ लाइफ हम करें 5 साल है, तो 5 साल में ये आधा डीके हो जाएगा, तो 5 साल बाद क्या होगा ये आधा बचा रहेगा। इसकी अगर बात करें तो ये फिर से ये आधा हो जाएगा अगले 5 साल में, है ना, क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो है वो 5 साल है। नंबर ऑफ एटम कम हो गए उससे हाफ लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ लाइफ इनिशियल नंबर पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड नहीं करता। तो हाफ लाइफ का मतलब जितने समय में वो अपने प्रेजेंट एटम का आधा डीके हो जाए वही उसका हाफ लाइफ है। तो जब ये पूरा था तो इसका आधा डीके हो गया 5 साल में, अब इतना बचा इसका आधा डीके हो जाएगा 5 साल में, अब जो बचा उसका भी आधा डीके हो जाएगा 5 साल में, तो हर 5 साल में वो प्रेजेंट अमाउंट का आधा होता जाएगा, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में एक बार जब हम लोग पढ़ रहे थे ये चैप्टर तो मुझे याद आ गया कि सर पूछ रहे थे ये सवाल कि आप बताइए अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ 5 साल है, मतलब 5 साल में वो आधा डीके हो जाती है, तो उसको पूरा डीके होने में कितना साल लगेगा, तो सभी लोगों का एक स्वर में आंसर था 10 साल। 5 साल में आधा हो गया तो फिर 5 साल में और आधा हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाफ लाइफ होता है वो प्रेजेंट सब्सटेंस की बात करता है, प्रेजेंट सब्सटेंस का आधा डीके होने में जो टाइम लगता है, तो जब इतना था तो इसका आधा डीके होने में 5 साल लगा, लेकिन ये अब इकट्ठा 5 साल में थोड़ी डीके हो जाएगा, इसका भी तो आधा ही डीके होगा 5 साल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वही बात हो गई, इनफाइनाइट ईयर लगेंगे पूरी तरीके से इसको डीके होने में, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक और फार्मूला है, एन इक्वल टू एन नॉट वन अपॉन टू पावर एन, यहां पर एन आप समझ रहे हैं कि बचा हुआ अमाउंट है या नंबर ऑफ एटम है, और ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम है। यहां जो पावर में एन है वो पावर में एन जो है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं जिसका हाफ लाइफ टी हाफ है, तो दो हाफ लाइफ बीतने के बाद कितना समय बीत जाएगा, तो हाफ लाइफ को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा, है ना। जैसे हाफ लाइफ 5 साल है, दो हाफ लाइफ बीत गए इसका मतलब 10 साल बीत गए, तो यहां पर 2 रखेंगे यहां पर 5 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो यह नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यह टोटल टाइम और यह हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। इसके बाद एक टर्म है आपका मीन लाइफ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हर एक एटम में सबकी हाफ लाइफ जो है वो सेम नहीं होती, मतलब कोई एटम ऐसा है जो बहुत देर में डिके होगा, कोई एटम ऐसा है जो पहले ही डिके हो जाएगा, तो कौन सा एटम कब डिके होगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किसी भी मेथड से बता नहीं सकते। तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो आपने ले रखा है उसमें से अगर पर्टिकुलरली एटम को आप नोटिस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो सबसे लास्ट में इनफाइनाइट टाइम के बाद डिके हो, और ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही बार में डीके हो जाए पहले हाफ लाइफ के अंदर।
तो हर एक एटम का अपना हाफ लाइफ अलग अलग होता है, इसलिए हम इन सब के एवरेज लाइफ की भी बात करते हैं। तो एवरेज लाइफ इक्वल टू, वैसे तो एवरेज लाइफ निकलते हैं कैसे हैं, सबकी जो लाइफ होती है जितने भी एटम होते हैं उनकी लाइफ का एवरेज निकालते हैं, लाइफ को टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ या मीन लाइफ टाउ इक्वल टू 1/λ के इक्वल होता है, और ये 1.44 t हाफ के भी इक्वल होता है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, हाफ लाइफ मीन लाइफ के बीच का रिलेशन, हाफ लाइफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बीच का रिलेशन, और इसके अलावा आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और एवरेज लाइफ के बीच का रिलेशन। तो यहां से तीन रिलेशन बन रहे हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डीके। तो कोई भी एटम कितने टाइम में डीके हो रहा है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डीके, डीएन अपॉन डीटी। आपने देखा भी था पीछे डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू लैम्डा एन था, और यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल वही फार्मूला निकल के आता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है। एन इक्वल टू, सॉरी ये पीछे लिखा हुआ था कि एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, बिल्कुल सेम तरीके से आर इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, सिर्फ इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, ये है रेट ऑफ डीके टी टाइम के बाद, और ये है इनिशियल रेट ऑफ डीके, ये है इनिशियल नंबर ऑफ एटम, और ये है टी टाइम के बाद बचे हुए नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले एक ही जैसे होते हैं, बस ये यहां एक्टिविटी यूज करी जाती है, रेट इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर नंबर ऑफ एटम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए रेडियो एक्टिविटी के कुछ यूनिट है, बैकेरल है, क्यूरी है और रदरफोर्ड है। तो बैकेरल एसआई यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की, तो कई बार तो यही सवाल पूछा जाता है कि कौन इसमें से एसआई यूनिट है, तो बैकेरल जो है इन्होंने खोज करी थी रेडियो एक्टिविटी की, इसलिए एसआई यूनिट जो है वो बैकेरल है। और वन बैकेरल का मतलब होता है वन डीके पर सेकेंड, मतलब एक एटम का डीके अगर एक सेकेंड में हो रहा है तो इसका मतलब कि उसको हम बोलेंगे वन बैकेरल। और 3.7 × 10⁻¹⁰ डीके पर सेकेंड को हम बोलते हैं वन क्यूरी, और 10⁻⁶ डीके पर सेकेंड को हम बोलते हैं वन रदरफोर्ड। तो आप तीनों को याद रखें, बट स्पेशली इसको याद रखें कि ये एसआई यूनिट है और इसको वन डीके पर वन पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसकी एक खास बात होती है कि वो जिस भी मतलब है कंडीशन में, और फाइनली वो एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने के लिए कई स्टेप में होकर के वहां पर पहुंचता है। ठीक है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक स्टेबल सब्सटेंस में पहुंचने के लिए जिन स्टेप्स के थ्रू पहुंचता है उनको हम सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। और कौन कौन से सीरीज होते हैं कि थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज। ठीक है ना, तो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एक स्टेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के चार मेथड होते हैं, चार सीरीज होते हैं, चारों का नाम सीक्वेंस में याद करना है। और याद करने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ये चीप है मेथड, मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूं लेकिन मेरे पास कोई और तरीका था नहीं तो मैं यही बता देता हूं आपको। मान लीजिए किसी का नाम मतलब तनु है, एक छोटी सी बच्ची उसका नाम है तनु, और आप जब कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो आप जैसे बुलाते हैं वो मैंने लिख दिया यहां पर। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप देखिए टी एन यू ए, इसी चीज को हमने लिखा हुआ है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चारों को आगे पीछे भी याद कर रहे हैं तब भी याद हो जाएगा, लेकिन इसी सीक्वेंस में याद करना जरूरी है। उसका हम आपको रीजन बताते हैं और इसका सवाल आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। टी का मतलब है थोरियम, एन का मतलब है नेप्टूनियम या नेप्चूनियम पढ़ते हैं, यू का मतलब है यूरेनियम और ए का मतलब होता है एक्टिनियम। ये चार रेडियो एक्टिव सीरीज के एक तो नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दूसरी बात यह है कि थोरियम को हम 4N सीरीज भी बोलते हैं, नेपच्यूनियम को हम 4N+1 सीरीज बोलते हैं, यूरेनियम को हम 4N+2 सीरीज बोलते हैं और एक्टिनियम को हम 4N+3 सीरीज बोलते हैं। तो ये जो नाम है ना ये आपको सिक्वेंस याद करेंगे तभी ये ऐसे याद हो पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इनके एटॉमिक नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इनके एटॉमिक नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से, n टाइम्स डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा रिमाइंडर, इनको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा रिमाइंडर, इनको डिवाइड करेंगे 3 बचेगा रिमाइंडर, 4 तो बच नहीं सकता क्योंकि एक बार फिर और डिवाइड हो जाएगा, n+1 टाइम्स चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सिक्वेंस याद करने के लिए भी ये जरूरी है रेडियो एक्टिव सीरीज के लिए। ठीक है, तनुआ से याद कर लेंगे थोरियम, नेप्च्यूनियम, यूरेनियम और एक्टिनियम, 4N सीरीज, 4N+1 सीरीज, 4N+2 सीरीज और 4N+3 सीरीज। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक पॉइंट यहां पर आता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
इसको भी आप देख लीजिए कि सम प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई कैप्चर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम फ्रॉम के सेल एंड दिस इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड फॉर्म अ न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। कहने का मतलब यह कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जब बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, प्रोटॉन रिच होते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस अपनी बगल वाला यानी जो के सेल है उनके पास में जिनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को सीधे अट्रैक्ट कर लेते हैं अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और वो प्रोटॉन रिच होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसका फील्ड इतना स्ट्रांग बन जाता है कि अपने बगल वाले के सेल के इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट अंदर खींच लेता है और जैसे ही वो अंदर खींच लेगा तो ये जो प्रोटॉन है सर ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर जाएगा वो उस प्रोटॉन के साथ कंबाइन होगा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन और प्लस में एक न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है ना। तो वो प्रोटॉन जाकर के न्यूट्रॉन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जाकर के न्यूट्रॉन बनाएगा और इसके बाद एक न्यूट्रिनो यहां से इमिट होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन को सीधे कैप्चर कर लेना और उस इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के साथ मिला करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देना और एक न्यूट्रिनो यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसी चीज को हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो प्रोटॉन की जगह पर हमने मान लिया कि जो भी हमारा एटम है, अब बताइए कि अगर उस एटम में इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन और इसका एक प्रोटॉन दोनों मिलकर के बन गए न्यूट्रॉन, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक कम हो गया यानी एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, ठीक है, और एक न्यूट्रिनो निकलेगा। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर बोलते हैं, क्योंकि के सेल के इलेक्ट्रॉन को यह कैप्चर कर लेता है और आपको पता है कि चाहे वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे या फिर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन का बम्बार्टमेंट करा करके के सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दे, रिमूव कर दे, तो जब भी कभी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देते हैं तो उस वैकेंसी को भरने के लिए उसके ऊपर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन वहां पर आते हैं। आपने पीछे वाली क्लास में देखा था जब हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की, है ना, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में भी यही होता था, लेकिन उसमें हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से बम्बार्टमेंट करके अपने टारगेट इलेक्ट्रॉन से उसको रिमूव करते थे, फिर उस वैकेंसी को भरने के लिए एल सेल एम सेल एन सेल के इलेक्ट्रॉन वहां पर आते थे और जब वो ट्रांजिशन करके आते थे तो वहां से कुछ रेडिएशन इमिट होता था जिसको हम बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली फिनोमेना होगी तब भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट होगा। यहां पर लिखा हुआ दिस वैकेंसी इन के सेल, ये जो खाली होगा कैप्चर की वजह से, फील्ड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल, और इससे जन्म होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का, ठीक है। तो सवाल यह बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद कौन सा रेडिएशन इमिट होता है, तो आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इमिट होगा और एक पार्टिकल निकलेगा जिसका नाम है न्यूट्रिनो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, के सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा खींच लिया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट देख लेता हूं क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे, हमने तो सुना ही नहीं। सर पीडीएफ मिलेगी इसकी? हाँ, क्लास के बाद हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, जो हमने एक कमेंट पिन किया है वहां पर या फिर डिस्क्रिप्शन में, आपको पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद हम इसका पूरा पीडीएफ यही सेम चीज आपको भेज देंगे, एक बार आप इससे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इन चीजों को भूल भी गए हों, तो मैं इसी नजरिए से बोल रहा हूं ऑन एवरेज देख करके, कि क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से गुस्सा भी हो रहे होंगे ये भी मुझे पता है ना, इतनी आसान आसान चीजों को पढ़ाने का क्या मतलब है। तो यही सिलेबस है आपका, पहली बात। दूसरी बात, इतने कम टाइम में यही हो सकता है और फिर इसको क्यों बता रहे हैं, कठिन कठिन वाला ही क्यों नहीं बता रहे हैं। तो तीसरी बात यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें भी नहीं पता है, तो उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस वजह से सब ओवरऑल एक एवरेज निकालते हुए ये मेथड चल रहा है और इसी तरीके से कर करके हम इतने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लेते हैं कि आपके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा, ढाई घंटे के लेक्चर में जो भी दो घंटे हमने थियरी पढ़ी, उन्हीं दो घंटे के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट आ गए जो आपके पूरे 24 या 22 क्वेश्चंस के अंदर लगने वाले थे, जो आपके एग्जाम में आ चुके इसके पहले, है ना। इसी तरीके से इसमें भी जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जा रहे हैं और कल की क्लास में भी थोड़ा पढ़ेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद भले ही आपको कहीं आसान लग रहा हो, कहीं बहुत मुश्किल लग रहा हो, कहीं बहुत ही ऊपर ऊपर ही दिख रहा हो, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अंदर लग रहे होंगे। हाँ, बाय मिस्टेक अगर कोई कॉन्सेप्ट यहां पर मिसिंग होगा तो वो हम न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे,
ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ एक कॉन्सेप्ट छूट गया हो, तो न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो उसमें वो मिसिंग टॉपिक हम ऐड कर देंगे, तो न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और एक थियरी भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सर इन सब का नोट्स कैसे मिलेगा? हमने तो मतलब आप लोगों के लिए एक लाइव हमने इसीलिए स्पेशली लिया था, सबसे पहला जो लाइव था आपका, अब झारखंड पीजीटी फिजिक्स की बारी करके जो आपका वीडियो है उसको आप सभी लोग देख लीजिए एक बार, मैं फिर से आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि फिर मैं अगर वही प्रोसेस बताने चला तो फिर से 1.5 घंटे का लाइव जाएगा और फिर ये क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। तो जिसको जिसको कोई भी डाउट है कि कैसे पीडीएफ मिलेगा, कैसे नोट्स मिलेगा और क्या क्या होगा, क्या क्या एक्सेस मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, वो सब कुछ हमने उस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक रास्ता है कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लोग पहले से ज्वाइन होंगे वो मदद करेंगे आपकी, वो आपको बता देंगे सारा प्रोसेस, क्योंकि हम तो एक एक करके डील करने लगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं आजकल, तो मैं कोशिश तो करता हूं मतलब बात कर ही लेता हूं, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है इससे कि आपकी कई बार ऐसी समस्या है कि मुझे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी बात करनी पड़ती है, तो अगर मैं यही करता रहूंगा तो कंटेंट नहीं रेडी हो पाएगा, और आपको पता है कि हमारी हालत भी बहुत अच्छी है नहीं, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि बीच में ये जो एक प्लान चल रहा है ये बीच में किसी वजह से रुक जाए। तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्कस कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होगा तो वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, हम बाद में आपके कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। और आज की इस लाइव के बाद आप सभी लोगों को लाइव चैट में नहीं, वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट लिखना है कि ये वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा, मतलब आपका फीडबैक मुझे चाहिए, जो भी कोई इसमें कमी हो पूरी वीडियो के अंदर, कोई भी पूरे इस मेथड के अंदर, वो आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी कमी को अगर पॉसिबल हो तो हम दूर करें और अगली क्लास इससे बेहतर हो, ठीक है। क्योंकि मैं पिछली क्लास से सहमत नहीं था, अपने बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं काफी टेंशन में था तब से, और कल क्लास भी नहीं हो पाई और ज्यादा टेंशन हो गई, ठीक है। इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मींस एक्सरे के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर जब हम एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, यानी रेडिएशन या फोटोन को डालने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये होता है आपका क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक, फोटो डाला, फोटोन डाला तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। एक्सरे के प्रोडक्शन का जो मेथड होता है, जो कुलीज ट्यूब में, कुलीज नलिका में हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यूअस या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, उसमें यह होता है कि हम एक टारगेट मेटल के ऊपर फोटोन नहीं, उल्टा यहां उसमें क्या करते थे, फोटोन डालते थे तो इलेक्ट्रॉन निकलता था, इसमें हम टारगेट इलेक्ट्रॉन डालते हैं और टारगेट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी फेनोमेना होती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे फिर फोटोन या रेडिएशन या एक्सरे इमिट होता है। तो इसका मतलब कि एक्सरे के प्रोडक्शन का जो पूरा मेथड है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा है, तो एक्सरे के प्रोडक्शन को हम इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं ना, पिछली क्लास आप देख लीजिए वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हाँ पीजीटी 2017 के हिसाब से ही चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करा दिया है, अभी आपका अगली क्लास में ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये थोड़ा लेंदी है, ये कंप्लीट होगा थोड़ी सी रफ्तार आएगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि बात बहुत करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, एक घंटे बीत गए हैं, बहुत कुछ कवर करना है। और आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज सॉरी यहां से, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही होता है कि हमारे पास देखिए एक ये मेटल प्लेट है, दो मेटल प्लेट है, और हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल से और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर है ताकि पता चले डिफ्लेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर हमने कुछ खास फ्रीक्वेंसी वाले, जिसकी एनर्जी एच न्यू है, फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो एनर्जी एच न्यू हो जाएगा प्लैंक के क्वांटम प्रिंसिपल से, ई इक्वल टू एच न्यू, तो जो रेडिएशन इधर से आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और उसकी एनर्जी एच न्यू है, उसको हमने इंसिडेंट किया है इस वाले प्लेट के ऊपर जो कि
नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, तो इसको हम कैथोड बोल देते हैं कई बार, और इसको हम एनोड बोल देते हैं। लेकिन यहां पर कैथोड और एनोड कोई फिक्स चीज नहीं है, क्योंकि जो अभी निगेटिव पोटेंशियल पर है और ये हाई पोटेंशियल पर है, वो किसी सिचुएशन में उल्टा भी हो सकता है, और उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है कि वैसे कैथोड और एनोड बहुत ही प्रॉपर इसका जो नेमिंग है वो तो नहीं है, तो आप इसको चाहे जो बोल दीजिए P1 और P2 प्लेट बोल देते हैं, P1 प्लेट है P2 प्लेट है। तो जब हम P1 प्लेट के ऊपर इस खास फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वाले रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, तो यहां से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं वो ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो चूंकि ये वाले प्लेट को आपने पॉजिटिवली चार्ज रखा हुआ है, एक तरह से कर लीजिए हाई पोटेंशियल पर रखा है, तो ये क्या करता है, इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर से इधर जाने लगते हैं, और आप देखिए इधर से ये पूरा वायर आपका था पूरा कंप्लीट था, यही बीच में गैपिंग थी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो ये सर्किट पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से करंट मिलने लगता है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है। तो फोटोन को इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगा, इसीलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटोन के इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट को डालने से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इनकी वजह से जो यहां पर करंट फ्लो होने लगता है उसको हम फोटो करंट बोलते हैं। वही सारी बात हमने यहां पर लिख दी है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं वो कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, फिर इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आया, इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आया। तो अगर ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं अगर उनकी एनर्जी सफिशियंटली लार्ज ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से बहुत जल्दी से या बहुत तेजी से अट्रैक्ट नहीं हो पाते, और ऐसे में क्या होता है पीछे वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगे वाले निकलेंगे तब तो पीछे वाले जाएंगे। तो होता क्या है कि इधर बीच में बहुत सारे ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, जो पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, एक तरह से रिपेल कर देते हैं, निगेटिव निगेटिव चार्ज में रिपल्सन, है ना। तो ये जब रिपल्सन होने लगता है तो यहां पर क्या होता है ढेर सारे चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। जब यहां पर बीच में इन दोनों प्लेटों के बीच का जो स्पेस है वहां पर जब चार्ज इकट्ठा हो जाए बाकी चार्जेस को रिपेल करने लगे वापस, उसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। तो स्पेस चार्ज की समस्या को कम करने के लिए आपको इसके पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को आप जितना बढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रॉनों को उतना तेजी से अट्रैक्ट करेगा, या इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह पर ई लिख देंगे तो ई इंटू वी। तो जितना ज्यादा आप पोटेंशियल लगाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ये जितना ज्यादा हाई और ये जितना ज्यादा निगेटिव होगा, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव ये जितना ज्यादा निगेटिव होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और उतना ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि स्पेस चार्ज की समस्या को कम करने के लिए हम इनके पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं, और जब बढ़ाते हैं तो ये स्पेस चार्ज की समस्या खत्म हो जाती है, जितने भी इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सब अट्रैक्ट होते जाते हैं और ये पूरा रास्ता साफ होता रहता है, ठीक है। और ऐसे केस में जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, है ना। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं प्रॉपर, जितने निकल रहे उतने जा रहे हैं, जितने निकल रहे उतने जा रहे हैं, तो फिर करंट की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, जो कि यहां पर हमने ग्राफ में दिखाया भी है, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये सैचुरेशन करंट की सिचुएशन है, वहां पर देख लीजिए इसमें भी आप देख सकते हैं सैचुरेशन करंट है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर हम इस प्लेट के ऊपर जो लाइट गिर रही है, जो फोटोन गिर रहे हैं, अगर हम उनकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा। इंटेंसिटी का मतलब कि कितने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं, है ना। इंटेंसिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटोन कितनी मात्रा में आ रहे हैं। जितने ज्यादा फोटोन को गिराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकलेंगे, क्योंकि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेनन को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल, मतलब कि रेडिएशन या लाइट को एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट में इमेजिन करने की वाली जो थियरी है ना, क्वांटम थियरी,
उसी के बेसिस पर आइंस्टीन ने इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया हुआ है, अदरवाइज तो हम लोग लाइट को एक वेव मानते थे। तो अगर हम इस तरह से देखें, इस थियरी के हिसाब से, अगर एक ये पार्टिकल आ रहे हैं तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आपको इमिट कराना है तो ढेर सारे फोटोन को भी इंसिडेंट कराना होगा, और फोटोनों की संख्या के लिए जो टर्म यूज हम कर रहे हैं वो है इंटेंसिटी, है ना। तो इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी या इनकी मात्रा बढ़ाएंगे तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, और अगर यहां पर आपने स्पेस चार्ज की समस्या को खत्म कर दिया है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उतने ज्यादा आगे भी बढ़ेंगे और उतनी ज्यादा करंट भी आपको मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या इसी बात को आप कह सकते हैं फोटो करंट, है ना, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा फोटो करंट, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। तो ये सवाल पूछा जाता है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इस वजह से आप देखें इस ग्राफ में पहले इंटेंसिटी आई थी, फिर इंटेंसिटी को हमने 2i किया है, और इस ग्राफ में इस वाले एक्सिस पर हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोटो करंट को, फोटो करंट बोलिए या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हमने दो गुना किया तो जो नंबर ऑफ ये फोटोन था या जो करंट था वो भी क्या हो गया, दो गुना हो गया। लेकिन चाहे इंटेंसिटी आई थी, चाहे 2i हो, चाहे 3i हो, चाहे 4i हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल के आगे भाग रहे हैं उनके भागने की जो गति है या कह लीजिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज्यादा यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, है ना। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ यहां से इलेक्ट्रॉनों को इमिट कराने के लिए जिम्मेदार है। इमिट हो गया, अब वो कितनी तेजी से दौड़ेगा वो डिसाइड करेगा आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपने इसके पहले कहा था कि अगर हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें और इसको निगेटिव, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होंगे वो सब के सब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव की बजाय निगेटिव करते गए, तो निगेटिव मतलब इसका पोटेंशियल कम और इसका पोटेंशियल ज्यादा करते गए, तो अगर ये निगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा बल्कि रिपेल करने लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होते हैं इस वाली प्लेट से, वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग लोकेशन से इमिट होते हैं, कोई सरफेस से ही इमिट होता है और कोई इसके अंदर से इमिट होता है, कोई और अंदर से इमिट होता है। तो जो सरफेस से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और आपने इधर से सपोज एनर्जी दिया कितना, आपने इधर से एनर्जी दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सरफेस से निकलने के लिए जरूरी था सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका खर्च हो जाएगा, जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। अब इसके पीछे वाले की बात करें, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकलेगा, वो कम से कम 3 में 4 में 5 में निकलेगा। तो आपने इसमें मान लिया दिया 10 और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खाली बाहर आते आते खर्च कर दिया अंदर कोलिजन की वजह से, इसके पास बचा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यह दौड़ेगा। इसी तरह से और पीछे जाएंगे और तेजी से यह दौड़ेगा, अगर धीमे धीमे दौड़ेगा, मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होते हैं ये ध्यान रखना है कि उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। तो इसी वजह से यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो तुरंत ही रुक जाते हैं जैसे हम इसका पोटेंशियल निगेटिव करते हैं, लेकिन बहुत सारे सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो अभी भी यहां से यहां पहुंच जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए और ज्यादा निगेटिव करना पड़ता है। और आप जब इतना निगेटिव पोटेंशियल लगा दें कि यहां से निकलने वाला सबसे तेज गति वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक ना पहुंचे, है ना, जब आप इसका पोटेंशियल इतना निगेटिव कर दें कि सबसे तेज गति वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक ना पहुंचे, तो उस निगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम याद रख लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि दूसरी वाली प्लेट का वो निगेटिव पोटेंशियल जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे रिपेल करके, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर ये हम दिखा रहे हैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा जितनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा इसकी एनर्जी होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी जा रहा है उतनी ही एनर्जी लगा करके रोकना भी पड़ेगा आपको। तो आप कह सकते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, चाहे कम लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे ज्यादा लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पर तो कोई उससे मात्रा से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर जो सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, कम वाले केस में भी उनकी एनर्जी उतनी होगी और ज्यादा वाले केस में भी उनकी एनर्जी उतनी होगी, तो उनको रोकने के लिए उतना ही निगेटिव पोटेंशियल काफी रहेगा दोनों ही केस में। तो यहां पर ये आपको बता रहा है
कि फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट या फोटोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वो एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए एक ही निगेटिव पोटेंशियल लगाने पर, एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने पर दोनों ही केस में हम फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं, या कह लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉनों को रोक सकते हैं और करंट को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। तो यहां पर वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब निगेटिव पोटेंशियल ऑफ दी एनोड, जिसको एनोड आप कह रहे थे, प्लेट पी टू, एट विच दी फोटो करंट इज जीरो। फोटो करंट जीरो होने का मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, के मैक्सिमम इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है। तो मैक्सिमम एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से यहां निकल रहे हैं उन्हीं के पास होगी, तो उनका फार्मूला हाफ एमवी स्क्वायर से वी मैक्सिमम होगा, उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और उनको रोकने के लिए हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट लगाया है, इसका मतलब जो हमने पोटेंशियल लगा करके उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया है वो वर्क उनकी एनर्जी के बराबर थी तभी उसने उसको रोका है। दैट इज ई इंटू में वी नॉट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, ई इंटू में वी नॉट है, जहां पर वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए पूरा एक्सप्रेशन आप याद कर ले, और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा ये कि जो लाइट हम यहां से डाल रहे हैं, अगर दो अलग अलग लाइट डालें, एक ऐसी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू है और एक ऐसी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, लेकिन उसकी मात्रा बराबर है। मात्रा मतलब मान लीजिए ये 9 फोटोन हम डाल रहे हैं न्यू वन इंटेंसिटी वाली फ्रीक्वेंसी वाली, 9 और फोटोन डालेंगे न्यू टू फ्रीक्वेंसी वाली। तो इन दोनों ही केस में चूंकि नंबर ऑफ फोटोन हम बराबर डाल रहे हैं तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो भी बराबर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के इमिट होने का रेट फोटोनों की संख्या पर या इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हमने दिखाया है चाहे न्यू वन फ्रीक्वेंसी हो चाहे न्यू टू फ्रीक्वेंसी हो, दोनों ही केस में जो आपको देखिए करंट मिलेगा उसकी वैल्यू सेम होगी, है ना, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या फोटोनों की संख्या या इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी बदलने से सिर्फ इतना हो जाएगा कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है रेडिएशन निकलेगी, कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम होगी, इसीलिए उनको रोकने के लिए कम ही निगेटिव पोटेंशियल से काम चल जाएगा, इतने ही निगेटिव पोटेंशियल से सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। लेकिन जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन आपने डाली थी उससे ज्यादा एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल ये पोटेंशियल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर फर्क नहीं पड़ता लेकिन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पर फर्क पड़ता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी इसका मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं E इक्वल टू एच न्यू से, और जितनी ज्यादा एनर्जी के फोटोन आएंगे उस एनर्जी को देकर के उतनी ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, और जितनी ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उनको रोकने के लिए उतना ज्यादा पीछे से फील्ड लगा करके वर्क करना पड़ेगा, यानी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये ग्राफ आपका है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देख लीजिए, इस ग्राफ को समझ लीजिए, यहां पर इमिटेड फोटोन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और ये इंसिडेंट फोटोन की, ये इलेक्ट्रॉन की है, और ये फोटोन की जो फोटोन आप डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये ग्राफ आपसे इतना ही कह रहा है कि इस ग्राफ में आप देखें अगर यहां पर कि इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर आप रेडिएशन डालेंगे तो आपको करंट नहीं मिलेगा, है ना। आप देखिए इसके बाद ही ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर हम लाइट डालें तो हमें इस वाले एक्सिस पर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ग्राफ ही नहीं मिला, मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन ही मीट नहीं हुआ। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप इस पर डालिए, है ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कितनी भी ज्यादा मात्रा में डालते रहिए कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेना नहीं होगी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको डालने पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम न्यू नॉट से एक्सप्रेस करते हैं। मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन कैन इमिट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, वर्क फंक्शन है। तो अगर आपको इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पता है मिनिमम जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे एच न्यू से, तो उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन मतलब क्या, वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने से इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, और इसका फार्मूला फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, जहां पर न्यू नॉट क्या है,
मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को क्या बोलेंगे, मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके यानी कि वर्क फंक्शन, और न्यू नॉट को न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन इमिट करा सकता है, तो अगर ये मिनिमम है तब तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है। तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है रेडिएशन की, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो फोटोन इमिट करा सके, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेवलेंथ टू इमिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फार्मूला भी याद कर लीजिए और ये ग्राफ भी याद कर लीजिए। यहां पर ये जो चीज है वो इसी को हमने अलग से भी दिखा दिया है कि इंटेंसिटी बढ़ेगी, मात्रा बढ़ेगी फोटोनों की, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी यानी करंट भी बढ़ेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है ना। इसी ग्राफ का एक अलग हिस्सा हमने यहां पर बना दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है हमारा ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को यूज किया, और उन्होंने इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो था आपका प्लैंक का क्वांटम प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि एनर्जी जो किसी भी रेडिएशन से एनर्जी निकलती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट होते हैं। हर एक बंडल या पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन या फिर क्वांटा, और उनकी एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ई इक्वल टू एच न्यू, है ना। हर फोटोन की एनर्जी का फार्मूला ई इक्वल टू क्या, एच इंटू न्यू। तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आइंस्टीन ने कहा कि जब भी किसी मेटल के ऊपर सपोज हम रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो रेडिएशन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू है, तो ये एनर्जी जब यहां पर आती है तो दो रूपों में खर्च होती है, दो भागों में खर्च होती है। एक तो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च होगा यहां यहां जहां भी है, यहां के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, और बाहर अगर निकल गई और अगर आपने एनर्जी जो दिया था वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो जो बची हुई एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। जैसे वही बात है कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली सरफेस से निकले ये जरूरी तो है नहीं, सरफेस के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन सरफेस के अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी खर्च करेगा रास्ते में। तो ये जो आइंस्टीन का फार्मूला है ये उनके केस में हम यूज कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलता है। सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी को खर्च करने की जरूरत होती है, और सबसे कम एनर्जी जो खर्च करने की जरूरत होती है उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट। और हर मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है, ठीक है ना। हर एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को आजाद कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम ही चाहिए। तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, ये हर एक मेटल का अपना फिक्स होता है कि इस मेटल के लिए इतना वर्क फंक्शन होता है, मतलब उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाले तो इतनी ही एनर्जी चाहिए, तो ये एक कॉन्स्टेंट हो गया। तो ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो सरफेस वाले ही इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करेंगे कि सरफेस से ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना हो यानी मिनिमम एनर्जी खर्च यहां पर करनी हो, वर्क फंक्शन खाली खर्च करना हो, तो आइंस्टीन ने कहा कि पूरी एनर्जी का दो हिस्सा हो जाएगा। एक तो इसको बाहर निकालने के लिए खर्च किया गया वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, देखिए अंदर से निकलता तो इससे ज्यादा भी खर्च होता, तो अंदर वालों के तो फिक्स नहीं हो पाएगा कहां कहां से आ रहा, तो कैसे इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए इन्होंने बात करी एकदम ऊपर वाले के लिए, तो ये वर्क फंक्शन फाई नॉट, और उसके बाद क्या हुआ, अब जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो लिख देंगे, और जो यहां से निकलेगा उसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि सबसे कम एनर्जी यहां पर खर्च करी इन्होंने, तो पूरी की पूरी इनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इनके अंदर से जो निकलता उस ज्यादा एनर्जी खर्च कर देता तो काइनेटिक एनर्जी इनसे कम हो जाती। तो सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिनिमम, दैट इज वर्क फंक्शन। तो ये एनर्जी दो टुकड़ों में खर्च हो गई, वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन का फार्मूला एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हमने पीछे आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको आप हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में ई वी नॉट बोल सकते हैं। तो ये भी आपने लिख दिया यहां पर, है ना, सॉरी यहां पर तो नहीं लिखा है, लिख सकते हैं आगे हम देखेंगे। तो बस के मैक्स को हम इधर ले गए, एच न्यू को इधर ले गए, तो ये एच न्यू नॉट उल्टा हो गया कुछ, अच्छा इसको इधर ले गए, तो एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्स, और के मैक्स की जगह पर हाफ एम वी स्क्वायर लिख लीजिए या फिर ई वी नॉट लिख लीजिए इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच नॉट। ठीक है,
तो ये फार्मूला आपका बन गया। और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप न्यू की वैल्यू को न्यू लेस देन न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, और ये निगेटिव होने का मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी निगेटिव, और किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि मास निगेटिव होता नहीं और वेलोसिटी निगेटिव होके भी क्या करेगा, स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही पॉसिबल नहीं है कि आप इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को डाल करके कोई इलेक्ट्रॉन इमिट करा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर वही बात है कि एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से अगर कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेना नहीं होगी। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन या इतनी एनर्जी का रेडिएशन डालें तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेना होगी कि नहीं होगी। तो आप एक काम करेंगे, एच न्यू यानी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी आपको पता चल गई, आप निकाल लीजिए उस मेटल का वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, है ना, वो भी दिया होगा आपको, तो वर्क फंक्शन को देख लीजिए और जो फोटोन आप डाल रहे हैं उसको देख लीजिए। फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, क्योंकि कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर इतनी एनर्जी भी देते हैं तब भी निकलेगा, लेकिन कम से कम इतना चाहिए, इससे कम हो गया तो फिर नहीं होगा। तो एच न्यू लेस देन एच न्यू नॉट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा यानी कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेना नहीं होगी। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से आता है, पी इक्वल टू एन इंटू ई, इसको आप देख लीजिए, जहां पर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। किसी भी मेटल से जो आपका यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, एक सेकेंड, ठीक है, फोटोन नहीं, यहां पर आप कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, नहीं एक 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 काम करेंगे कि जो भी हम लाइट का सोर्स दे रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे पास लाइट का सोर्स है अगर उससे हम कितना पावर बाहर आ रहा है अगर हम वो निकालना चाहें तो इससे पूरा जो पावर बाहर निकल रहा है उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, पी इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पी का मतलब है पावर, एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और ई का मतलब है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। मानिए यहां से हम करें 10-20 फोटोन आपके पास हैं, मानिए इसके पास आपके पास टोटल n फोटोन निकल रहे हैं, कितने समय में, t समय में, तो एक सेकेंड में कितना फोटोन निकला होगा, n बाई t, इसको हम कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फोटोन निकल रहा है हर एक फोटोन की एनर्जी e है, तो आप कह सकते हैं कि n को इस n बाई t को एक सेकेंड में निकलने वाले फोटोनों की संख्या को हर एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें तो एक सेकेंड में निकलने वाली ये एनर्जी हो जाएगी, और एक सेकेंड में इमिट होने वाली एनर्जी को ही हम पावर बोलते हैं। तो ये एक फार्मूला है, इसके ऊपर सवाल आता है तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, पूरा एनर्जी निकाल लेंगे फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे तभी आपको पावर ही मिलेगा, क्योंकि पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले के ऊपर सवाल आता है कभी कभी। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और है आपका कॉम्प्टन इफेक्ट, तो पिछली क्लास का जो उधार था वो पूरा हो जाएगा, तो मैं इसको पहले बता देता हूं फिर आपकी कमेंट लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहां पर देखिए कॉम्प्टन इफेक्ट क्या है, ये क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन को बताने वाली दूसरी फेनोमेना है। क्वांटम नेचर मतलब कि जो रेडिएशन होता है वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के फॉर्म में होता है, उसकी एनर्जी एच न्यू होती है, कोई भी एनर्जी नहीं होती है, है ना, एच न्यू का एक गुना, दो गुना, तीन गुना, ऐसी ही एनर्जी पॉसिबल है, कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसी को हम क्वांटम नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसी बेसिस पर था कि अगर आप लाइट को एक वेव मान के चलेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो लाइट को आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपल के बेसिस पर फोटोन मानते हुए, क्वांटा मानते हुए, इस पूरी फेनोमेनन को इन्होंने अपने इस इक्वेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के क्वांटम नेचर को सपोर्ट करती है या पार्टिकल नेचर को, फोटोन नेचर को सपोर्ट करती है, वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करती। दूसरी फेनोमेना है कॉम्प्टन इफेक्ट, और ये भी क्वांटम नेचर को ही सपोर्ट करती है, यानी ये फेनोमेना भी आप तब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब तक आप लाइट को एक पार्टिकल नहीं मानेंगे तब तक। कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फोटोन को या रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं एक मटेरियल के ऊपर, तो उस मटेरियल के ऊपर जब हम फोटोन को या रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो वो करता क्या है कि जाता है और उसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है ना, टकराता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, और जो रेडिएशन आपने दिया था
वो रेडिएशन उस मटेरियल ने एक तरह से एब्जॉर्ब किया और उस मटेरियल की एनर्जी सॉरी उस फोटोन की एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, बाकी की जो एनर्जी है उसकी हेल्प से वो मतलब वो एनर्जी बाहर फिर इमिट भी होती है ना। पहले एब्जॉर्ब किया, एक इलेक्ट्रॉन निकला स्कैटर हुआ और उसके साथ साथ फिर से एक रेडिएशन बाहर निकला, लेकिन अब जो रेडिएशन बाहर निकला उसकी जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से होती है ज्यादा, या ये कह लीजिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से होती है कम। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपने दिया था, जब इसमें से रेडिएशन निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करने के बाद, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी या कह लीजिए एनर्जी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फेनोमेना भी तभी पॉसिबल है जब आप लाइट को एक पार्टिकल मानेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल के रूप में ही गया था और एक इलेक्ट्रॉन से टकराया और एक ही इलेक्ट्रॉन को ये बाहर किया हुआ है। ठीक है ना, अगर ये वेव होता तो इसकी एनर्जी जाकर के बहुत सारे लोगों को मिलती, हो सकता है बहुत सारे लोग निकलते, हो सकता है कोई ना निकलता, लेकिन जब ये रेडिएशन जा रहा है तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। और ये जो पूरी फिनोमेना है, इस पूरी फिनोमेना में हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर एक्सप्रेशन आता है इस वाले वेवलेंथ और इस वाले वेवलेंथ की डिफरेंस के लिए, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, फार्मूला एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये जो वेवलेंथ का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्टन शिफ्ट, इसके ऊपर सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, कॉम्प्टन शिफ्ट इसको बोलते हैं। और यहां पर ये जो फाई है वो क्या है, वो है स्कैटरिंग एंगल, ये वाला एंगल, मतलब जो फोटोन आपने डाला था जिस डायरेक्शन में और जिधर ये स्कैटर्ड होकर के लाइट निकली हुई है, इनके बीच का ये एंगल है फाई, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग एंगल है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। अब ये जो एच अपॉन एम नॉट सी वाला टर्म है इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2.43 पिकोमीटर, आपको याद करना पड़ेगा अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसको हम कॉम्प्टन वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है कॉम्प्टन शिफ्ट और ये है कॉम्प्टन वेवलेंथ, कॉम्प्टन शिफ्ट, कॉम्प्टन वेवलेंथ, स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इसमें जो डेल्टा लैम्डा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग एंगल फाई के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जो डेल्टा लैम्डा है वो सिर्फ फाई के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर, क्योंकि बाकी सब के सब कांस्टेंट हैं। और इधर मत देखिए क्योंकि ये पूरी की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा ही तो हमारा डेल्टा लैम्डा है, तो डेल्टा लैम्डा सिर्फ फाई के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल वगैरह से कोई मतलब नहीं। और डेल्टा लैम्डा जो है वो इनडिपेंडेंट होता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड नेचर ऑफ स्कैटरिंग मटेरियल। मतलब ये जो मटेरियल है जिसके ऊपर आपने फोटोन डाला है, ना तो मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है डेल्टा लैम्डा, और ना ही जो आपने रेडिएशन डाला है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कितनी थी उसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस फाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर। ठीक है, और ये कॉम्प्टन शिफ्ट हो गया, ये कॉम्प्टन वेवलेंथ हो गया और इसकी ये वैल्यू हो गई। और ये क्या चीज बताती है, तो ये बताती है क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन को, ये एक्सप्लेन करती है, उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरफेरेंस, ऐसा सुन लीजिए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये फेनोमेनन को आप तब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब तक आप लाइट को वेव नहीं मानेंगे। तो ये फेनोमेनन लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करती है, लेकिन वही ये फेनोमेना जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, इसको समझाने के लिए आपको लाइट को पार्टिकल या फोटोन मानना होगा, यानी ये लाइट के या रेडिएशन के क्वांटम नेचर को सपोर्ट करती है। तो लाइट का वेव नेचर भी हो गया, लाइट का पार्टिकल भी नेचर हो गया, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन को आपको ना तो पूरी तरह से वेव और ना ही पार्टिकल मान के चलना, दोनों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अलग अलग फेनोमेना को समझाने के लिए आपको अलग अलग चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से मैटर के केस में भी होता है, मैटर जिसको हम नॉर्मली पार्टिकल एज्यूम कर रहे हैं, वो पार्टिकल भी वेव बिहेवियर शो करती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, और उसके वेवलेंथ को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, उनको हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके ऊपर कई सारे सवाल आपके एग्जाम में हैं, 4-5 सवाल कुछ दिख रहे थे, वो सारे सवाल भी उससे कवर हो जाएंगे जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लाइट जिसको हम हमेशा से वेव सोचते आए हैं वो पार्टिकल जैसा हो गया, दोनों हो गया, तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया। पार्टिकल जिसको हम पार्टिकल कह रहे हैं वो वेव जैसा भी बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। और ये दोनों को मिला करके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल को मिला करके वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नाम का पूरा कॉन्सेप्ट है।
क्वांटम फिजिक्स वाले जो लेक्चर हमने आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड करे हैं उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ, काफी लंबा चौड़ा है वो, आप चाहे तो पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट में हम अगली क्लास में समराइज करेंगे उनको, ठीक है। आज थोड़ी सी एनर्जी कम है, मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो गए होंगे, क्योंकि पहली क्लास में आप लोगों की संख्या थी 189 और पिछली क्लास में थी 182 और आज तो 144 हैं आप लोग। बट इससे ज्यादा अगर एनर्जी लगा देंगे तो अगली क्लास में ब्रेक लग जाएगी, है ना। पिछली क्लास में यही हुआ था कि शुरुआत में एनर्जी कुछ ज्यादा ही लग गई और लास्ट होते होते गंभीर स्थिति हो गई थी। सर पीडीएफ में इसका कलर चेंज मत करना प्लीज, प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे इसका। नहीं मतलब अब देखिए एक्चुअल में तो आप लोग ये कह रहे थे कि इसका कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक आ रहा है, लेकिन ब्लैक आए व्हाइट आए कुछ भी हो इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये हमने पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है और लिख लिख करके पूरा दिन भर ये सेव किया हुआ, ये हैंड राइटिंग है, ये प्रिंटेड थोड़ी है। अगर ये प्रिंटेड होता सिस्टम से बना होता तो फिर वहां पर ऑप्शन होता, ये हमने इसी बोर्ड पर लिखा है इसी स्क्रीन पर और लिख करके ये सेव किया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं हो पाएगा इसका, तो हम मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और एक ही ऑप्शन था कि अगर हम व्हाइट स्क्रीन पर लिखते तो व्हाइट स्क्रीन पर लिखना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन पर बहुत सारे इसमें से जो कलर हमने इस्तेमाल किए हैं वो कलर व्हाइट स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं, तो इतने अच्छे से ये मटेरियल प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, रेडी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह कि व्हाइट स्क्रीन पर लिखेंगे तो आंख के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा उसमें ब्राइटनेस होती है और देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये प्रिपेयर करने में मुझे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं, है ना। नहीं तो मैं ऐसे 2 घंटे की क्लास पढ़ा करके कभी बीमार नहीं हुआ, नॉर्मली मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाता ही रहता हूं, लेकिन आपकी 1 से 2 क्लास लेने के बाद मेरी हालत इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि ये बनाने में 6 घंटे लगते हैं। दिन भर मैं ही खड़े होकर के पूरा लिखता हूं, सेव करता हूं प्रॉपर, है ना, सोच सोच करके कि इसके बाद ये बताना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है और इसमें ये ऐड कर लेते हैं या ये रहने देते हैं, वो ऐसे करने में 6 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से मतलब इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ये इसकी स्क्रीन पर सेव हुआ है, ठीक है, और यही पीडीएफ हम आपको सीधे भेज देते हैं। अगर इसको सिस्टम पर टाइप किया गया होता तो फिर ऑप्शन था, जैसे भी चाहते वैसे एडिट कर लेते, इसमें कुछ भी एडिटेबल नहीं, अगर कुछ गलत भी हो गया तो ऐसे ही पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। अच्छा बैटरी लो हो गई है तो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो एक काम करते हैं बैटरी को चेंज कर लेते हैं, और अभी मात्र 10 बजे हैं, 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और वैसे तो आप लोगों ने 11:30 बजे तक क्लास लिया है, तो अगर थोड़ा पेशेंस बनाएंगे तो 10:30 11 तक आपका ये पूरा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं आपके इस यूनिट में मॉडर्न फिजिक्स में वो सब हम यहां पर लेकर के आएंगे और सबको कवर करेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैटर तो कई पेज का है, टाइम बहुत नहीं लगेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, जबकि रेडियो एक्टिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ गई तो उतना टाइम लग गया उसमें, ठीक है। तो बस 1 सेकंड में बैटरी चेंज हो जाए उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, पानी पी लीजिए जल्दी से। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में देखिए क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें देखना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं और इसका क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ प्रॉपरली एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स को बनाने के लिए जो सबसे छोटे आप कह लीजिए कण हैं, जो सबसे छोटे हिस्से हैं, पार्टिकल हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और एलिमेंट्री पार्टिकल की खास बात यह है कि ये स्ट्रक्चरलेस होते हैं,
या इनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि जो सबसे छोटी चीज है उससे छोटी कुछ हो ही नहीं सकती, तो उनका कोई अपना इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर लेस होते हैं। और अभी तक 200 से ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल खोजे जा चुके, ठीक है, छोटी सी बात थी ये। अब देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर किया गया है, सॉरी, तो खास करके जो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है वो तीन बेसिस पर आपको याद रखना है, मास के बेसिस पर, स्पिन के बेसिस पर और इंटरेक्शन के बेसिस पर। इसके अलावा एक और हम पढ़ेंगे यहां पर, हाफ लाइफ के बेसिस पर, हाफ लाइफ के बेसिस पर। लेकिन ये तीन आपके लिए जरूरी है, जिनमें सबसे ज्यादा हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये वाला क्लासिफिकेशन जरूर याद रखें, लेकिन कुछ जगहों पर फंस जाएंगे अगर आपको ये वाला नहीं पता है तो, है ना। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि आप इन दोनों के ऊपर फोकस करिए, स्पिन और इंटरेक्शन के बेसिस पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन। उसमें भी अगर आप ये वाला अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और एक बार भी इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें कुछ बहुत नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा इसमें आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बाकी पूरा हिस्सा इसका वही है जो इसमें आता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल के क्लासिफिकेशन हम तीन बेसिस पर पढ़ेंगे, मास, स्पिन, इंटरेक्शन, चार पढ़ेंगे और हाफ लाइफ पर। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, मास के बेसिस पर अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल को क्लासिफाई करें तो कितने पार्ट के, कितने टाइप के होते हैं? तो एलिमेंट्री पार्टिकल मास के बेसिस पर तीन टाइप के होते हैं, लेप्टॉन होता है, मेसॉन होता है और बैरियन होता है। लेप्टॉन सबसे हल्के एलिमेंट्री पार्टिकल है, यह सवाल कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आपको ख्याल रखना होगा। सबसे हल्का एलिमेंट्री पार्टिकल लेप्टॉन, और इस लेप्टॉन के अंदर ही क्या होता है, इसी लेप्टॉन की वैरायटी में ही आता है आपका इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में अगर हम पूछें आपसे लेप्टॉन कौन कौन लोग हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूऑन होता है और टाउऑन होता है, ये सब लेप्टॉन है, लेप्टॉन फैमिली के। इनका जो एंटी पार्टिकल होगा, अच्छा एक चीज और, अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये न्यूट्रिनो होता है, और ये म्यूऑन के लिए जो न्यूट्रिनो होता है, और ये टाउऑन के लिए जो न्यूट्रिनो होता है, एक्चुअल में ये एंटी न्यूट्रिनो है। तो ये तीनों न्यूट्रिनो और ये तीनों आपके पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, और इन पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल ले लीजिए म्यू प्लस, ई प्लस, टाउ प्लस, और इन एंटी पार्टिकल का, एंटी न्यूट्रिनो का न्यूट्रिनो अगर ले लीजिए न्यू ई, न्यू टाउ और न्यू 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 और टाउ, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, टाउऑन है, इनके न्यूट्रिनो है, ये तीनों के तीनों, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन का न्यूट्रिनो, टाउऑन का न्यूट्रिनो। फिर जो न्यूट्रिनो आपने लिए उनके एंटी न्यूट्रिनो, और जो पार्टिकल आपने लिए थे उनके एंटी पार्टिकल, ये पूरे के पूरे जो 12 पार्टिकल है इनको हम बोलते हैं लेप्टॉन, है ना। तो लेप्टॉन फैमिली में टोटल 12 पार्टिकल है, 12 पार्टिकल नहीं है, 6 पार्टिकल है और 6 उसके एंटी पार्टिकल है, ये तीन और ये तीन पार्टिकल है, और इनके एंटी पार्टिकल ये है और इनके एंटी पार्टिकल ये, तो 6 लिखा जाता है अक्सर, है ना, सिर्फ पार्टिकल की बात करते, क्योंकि अगर एंटी पार्टिकल में गए तो सबकी लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे हल्का, अगर मास के बेसिस पर बात करें तो सबसे हल्का एलिमेंट्री पार्टिकल होता है लेप्टॉन, ठीक है। और इनका जो मास होता है उसका रेंज होता है 0 से लेकर के 135 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये मास का यूनिट है। ये वाला फार्मूला देखिए, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहां से आप एम निकालेंगे तो आएगा ई अपान में सी स्क्वायर, तो एनर्जी को अगर हम लिख दें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और यहां पर अपान में सी स्क्वायर लिख दें, तो ये मास का ही यूनिट हुआ, ठीक है ना, इस फार्मूले से। तो लेप्टॉन्स जो होते हैं उनका मास 0 से लेकर के 135 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बीच में होता है, सबसे हल्का पार्टिकल है। इससे थोड़ा हैवी है आपका मेसॉन, और इसके मास का ये रेंज होता है 135 से 939 के बीच में। और सबसे हैवी जो आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है वो है बैरियन, सबसे हैवी है, और इसका जो मास होता है वो 939 से फिर ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपको एग्जैक्टली कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, सबसे हल्का, सबसे भारी और ये मॉडरेट, ठीक है। एक चीज और यहां पर हमने लिखा हुआ, मेसॉन और बैरियन को मिलाकर के एक वर्ड में कहा जाता है हेड्रॉन, ठीक है, मेसॉन और बैरियन को मिलाकर के एक वर्ड में कहा जाता है हेड्रॉन, ये नाम याद रखिए। मेसॉन की खास बात यह है कि एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है, आपने क्वार्क के बारे में सुना होगा, आगे हम थोड़ा सा भी क्विक ओवरव्यू आपको देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वार्क जो होते हैं इनको भी हम एलिमेंट्री पार्टिकल की ही कैटेगरी में रखते हैं, और जितने भी हेड्रॉन्स होते हैं वो सब क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जो हेड्रॉन्स होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। हेड्रॉन्स मतलब कौन, मेसॉन और बैरियन, है ना, मेसॉन और बैरियन को एक वर्ड में हेड्रॉन कहा जाता है,
और हेड्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम हेड्रॉन्स को कंपोजिट पार्टिकल भी बोलते हैं। कंपोजिट इसलिए क्योंकि ये हेड्रॉन्स को क्वार्क को मिला मिलाकर बनाए जाते हैं, तो इसको हम कंपोजिट पार्टिकल भी बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके इसी कैटेगरी में आते हैं, हेड्रॉन की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंपोजिट पार्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो मेसॉन प्लस बैरियन इज इक्वल टू हेड्रॉन्स मेड ऑफ क्वार्क, ठीक है। यही चीज हमने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए मेसॉन में हमने लिखा है क्यू और प्लस में क्यू बार, क्यू का मतलब चार्ज हम नहीं बोल रहे हैं, आप चार्ज से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये क्वार्क है, और ये उसके ऊपर जब चार्ज का निगेटिव कर देंगे तो वो एंटी क्वार्क हो जाएगा। मतलब जो क्वार्क होता है अगर आप उसके एंटी क्वार्क के चार्ज की बात करें तो निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। तो एक क्वार्क और एक उसके एंटी क्वार्क को मिलाकर के मेसॉन बनता है, लेकिन तीन क्वार्क को तीन क्वार्क को मिलाकर के आपका बनता है बैरियन, ठीक है। तो मेसॉन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है, बैरियन जो है वो तीन तरह के क्वार्क से मिलकर, तीनों में कोई सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो तीन क्वार्क को मिलाकर बनता है बैरियन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ये पूरा हो गया, ऐसे ही है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर हम स्पिन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें एलिमेंट्री पार्टिकल का, जो आपके लिए सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, अगर आप दूसरा वाला याद नहीं करना चाहते, पहले इसी की बारी आ गई है तो इसी को इंपॉर्टेंट बना देते हैं, अगला वाला इसी में सब कवर हो जाएगा अगला वाला भी। तो स्पिन के बेसिस पर, स्पिन मतलब आप समझ रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन के बेसिस पर अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले तो आप दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करिए, एक है बोसॉन और एक है फर्मियन, ठीक है। बोसॉन कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स का स्पिन जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, जीरो और कोई इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं एच कट की। मतलब आप देखिए न्यूक्लियर ये जो स्पिन है वो एक्चुअल में क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। और आपको पता है ना एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ये बोहर ने जो अपनी पहली पोस्टुलेट दी थी जिसको हम बोलते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, उसमें उन्होंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और इसी एच अपॉन 2π को हम एच कट भी बोलते हैं, और यहां पर एन आ गया, ये एक्चुअल में क्या है एमवीआर की वैल्यू है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम है। और इसी एन की जगह पर आप जीरो रखिएगा तो यहां पर जीरो एच कट आ जाएगा, वन रखिएगा तो वन एच कट आएगा, टू रखिएगा तो टू एच कट आएगा, एंड सो ऑन आएगा। तो ये एच कट जो है वो टर्म बार बार यहां नहीं लिखा गया है, मतलब एच कट के टर्म में एच कट का कितना गुना है सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। हम चाहते तो यहां पर एच कट भी साथ में लिखते, यहां पर भी 1/2, 3/2, 5/2 एच कट लिखते, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये जो है स्पिन की वैल्यू अगर एच कट के 0 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना है तो ये बोसॉन होंगे, यानी बोसॉन का स्पिन जो है वो इंटीग्रल स्पिन होता है। ये लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब कि ऐसा प्रिंसिपल जो कहता है कि कोई भी दो पार्टिकल सेम एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते। तो अगर कोई पार्टिकल आपका बोसॉन है तो वो इस सब बातों को नहीं मानता, वो सेम एनर्जी स्टेट में आपके बोसॉन्स रह सकते हैं। तो डोंट ओबे द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को बोसॉन्स फॉलो नहीं करते हैं जिनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन होता है। और ये बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, जो हमने आपको फर्मियन के केस में फार्मूला बताया था, फर्मी एनर्जी में अगर आपको याद हो Fe इक्वल टू ऐसे फार्मूला था ना आपका Fe इक्वल टू 1/e e-EF, और यहां पर kT था और ये प्लस में 1 था, है ना, ये ना। तो इसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स। और तो ये जो बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स होता है इसको बोसॉन्स फॉलो करते हैं, और इनका जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो वेव फंक्शन सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, क्वांटम फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर जो हमने आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड किया है चैप्टर, उसके अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में चीजें मिल जाएंगी, वहां पर हमने ये पूरा पढ़ाया हुआ है। आप उसको डिटेल में अगर चाहे तो हमने एक्चुअल में इसके ऊपर और इसके ऊपर पूरे 4-5 घंटे का लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं डिटेल में। इन सब के बारे में काफी बारीकी से बात हुई, यहां पर नहीं जाएंगे उतने डेप्थ में, बस इतना ध्यान रखें कि स्पिन इंटीग्रल होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा और वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। इसमें उसी का सब कुछ उल्टा कर लीजिए, इसका स्पिन जो होगा वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा, 1/2, 3/2, 5/2 हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा,
ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा और इसमें ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लागू होता है और इसका जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इतनी बातें तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, है ना, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली एकदम याद रखना होगा क्योंकि इसका उसका मिक्स हो जाता है कई बार। अब इसके बाद देखिए आसान है, ये जो बोसॉन्स होते हैं ये बोसॉन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मेसॉन और मासलेस बोसॉन में। जो मासलेस बोसॉन होते हैं वो दो टाइप के हैं आपके, फोटोन और ग्रेविटोन। तो चूंकि ये जितने भी हैं वो सब के सब बोसॉन है तो उनका जो स्पिन होगा वो इसी टाइप का होगा। तो मासलेस बोसॉन में जो पहला आपका फोटोन है उसका स्पिन 1 और ये जो ग्रेविटॉन है उसका स्पिन। फिर इनके भी एंटी पार्टिकल होते हैं, तो ये आपको देखना है, के मेसॉन, पाई मेसॉन और ईटा मेसॉन, जिसको हम एक वर्ड में मेसॉन बोलेंगे, और इनका स्पिन होता है 0। फर्मियॉन की बात करें तो फर्मियॉन दो टाइप के हैं, लेप्टॉन्स और बैरियॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स और बैरियॉन्स को हम एक वर्ड में फर्मियॉन बोलेंगे, ये सब फर्मियॉन की फैमिली है। लेप्टॉन का स्पिन होता है 1/2 और इसमें देखिए कौन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यू मेसॉन है और टाउ मेसॉन। इलेक्ट्रॉन न्यू मेसॉन और टाउ मेसॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस और न्यू मेसॉन की बात करें तो न्यू माइनस कह सकते हैं और टाउ मेसॉन में टाउ माइनस। फिर हमने आपको जैसा बताया कि इनका आप न्यूट्रिनो ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, म्यूवान का एंटी न्यूट्रिनो, टाउवान का एंटी न्यूट्रिनो, और इन सब का आप एंटी पार्टिकल ले लीजिए, इन तीनों का एंटी पार्टिकल कर लीजिए, इनका जो एंटी होगा वो सब मिलाकर के आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये जो म्यूऑन्स हैं इनको कई जगहों पर म्यू मेसॉन लिखा जाता है, तो आपको एक भ्रम हो जाता है कि ये मेसॉन की कैटेगरी के हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मेसॉन में आपके यही तीन लोग हैं, के मेसॉन, पाई मेसॉन और ईटा मेसॉन। इसके अलावा किसी के भी साथ अगर मेसॉन लिख करके आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भले यहां मेसॉन और मेसॉन लिखा है लेकिन ये लेप्टॉन फैमिली के। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना। और बैरियॉन की बात करें तो बैरियॉन में दो टाइप हो गए, न्यूक्लियॉन और हाइप्रॉन। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक वर्ड में न्यूक्लियॉन बोलते हैं। हाइप्रॉन की बात करें तो चार कैटेगरी है, सिग्मा, जाई, लैम्डा, ओमेगा। सिग्मा तीन टाइप के हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा नॉट। जाई में दो है, जाई माइनस, जाई नॉट। लैम्डा में एक है, लैम्डा नॉट, ऐसे भी लिखते हैं, और लैम्डा ये वाला जो सिंबल होता है लैम्डा, वेवलेंथ वाला लैम्डा, वैसे भी बनाते हैं। ठीक है, और लास्ट में है ओमेगा, एक टाइप का होता है ओमेगा माइनस। ठीक है, और जितने भी आपके हाइपरॉन है इन सब का स्पिन है 1/2, सिर्फ लास्ट वाले ओमेगा वाले को छोड़ करके, क्योंकि उसका स्पिन है 3/2। तो ओमेगा माइनस का स्पिन है 3/2, ग्रेविटॉन का स्पिन है 2 और इसका फोटोन का स्पिन है 1। बाकी सबका हिसाब क्लियर है, ये सब के सब मेसॉन का स्पिन 0, ये सब के सब लेप्टॉन का स्पिन 1/2 और ये ओमेगा वाले को छोड़ करके बाकी सबका स्पिन 1/2। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। इसके ऊपर एक बड़ा ही पॉपुलर वीडियो है फिजिक्स स्कॉलर के चैनल के ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल का, इस क्लास के बाद हम आपको उसको भेज देंगे। अगर इसमें बीच में क्लास में आज डिस्टर्बेंस ना हुई होती तो हम इनका सबका ट्रिक भी आपको बताते, इनको याद करने का क्या क्या तरीका है ना। जैसे अगर आपको लेप्टॉन में जितने लोग हैं उनका नाम याद रखना है,
हाइपरॉन में जितने लोग हैं उनका नाम याद रखना है, तो ये सबका बड़ा अच्छा सा तरीका था। मेस्टॉन में जितने लोग हैं उनका नाम याद रखना है, सब ट्रिक है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, इसलिए हम उनको स्किप कर रहे हैं और हम आपको उनका वीडियो भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट होगा तो। अदरवाइज इतना ही पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। तो हमारा मास हो गया, मास के बेसिस पर तीन टाइप हो गए, लेप्टॉन हो गया, मेसॉन हो गया, बैरियन हो गया, और उसके बाद फिर हमारा ये स्पिन के बेसिस पर हो गया बोसॉन और फर्मियन, और उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया। इंटरेक्शन के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो क्या होता है, तीन तरह से हम इसको क्लासिफाई करेंगे, फोटोन है, लेप्टॉन है और हेड्रॉन है। फोटोन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फील करते हैं, चार तरह के इंटरेक्शन होते हैं ना, ग्रेविटेशनल, और उसके बाद वीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो ये जो चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस या इंटरेक्शन होते हैं उनमें से हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बात नहीं करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्योंकि वो मास के ऊपर डिपेंड करता है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात चल रही है, इनके मास तो बहुत ही कम है, तो इतने कम मासेस वाले पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होता है, कोई कंसिडरेबल उसका इफेक्ट होता नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियर फिजिक्स में तीन तरह के इंटरेक्शन हमारे पास बचते हैं, एक है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और एक है वीक इंटरेक्शन। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इन तीन इंटरेक्शन की बात करेंगे, तो इन्हीं इंटरेक्शन के बेसिस पर हमारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो तीन पार्ट का है। तो ऐसा पार्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फील करता है ना, तो वो होता है हमारा फोटोन। और ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन को फील करता है, मतलब जिन पार्टिकल में ये और ये इंटरेक्शन पॉसिबल है लेकिन ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, वो लेप्टॉन है। और जिनके केस में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को भी फील करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंटरेक्शन को भी फील करते हैं, वो होते हैं हेड्रॉन। ठीक है, तो इसमें है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक भी है। चौथे की तो बात ही नहीं करेंगे हम किसी भी केस में, क्योंकि इनके मास बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इसके आगे की कहानी, और इसके आगे की कहानी पूरी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो लेप्टॉन होता है वो किस टाइप का होता है, लेप्टॉन में कौन कौन लोग आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, टाउऑन है, इनका एंटी पार्टिकल है, इनके न्यूट्रिनो है और उनका भी एंटी पार्टिकल है, तो ये 12 लोग टोटल आ गए आपके लेप्टॉन के अंदर। तो ये तो पता ही कि लेप्टॉन के अंदर कौन आता है, बस आपको ये देखना था कि इंटरेक्शन कौन कौन फील करते हैं, कितनी वैरायटीज हैं। तो इंटरेक्शन के बेसिस पर ये तीन टाइप है ना, और इधर भी आपको पता है हेड्रॉन किसको बोलते हैं, मेसॉन और बैरियन को मिलाकर के हेड्रॉन बोला जाता है। मेसॉन में तीन तरह के मेसॉन होते हैं, पीछे आपने देखा केऑन्स, पाइऑन्स और ईटा, मतलब के मेसॉन, पाई मेसॉन और ईटा मेसॉन, और फिर इनके आप एंटी पार्टिकल ले लेंगे, जैसे आपने ये 6 लिया था उनका एंटी पार्टिकल लिया था, तो इनके भी एंटी पार्टिकल, इनके भी एंटी पार्टिकल, इनके भी एंटी पार्टिकल। ठीक, बैरियन की बात करें तो बैरियन दो टाइप के हैं, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में भी आपको वही क्लासिफिकेशन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाइपरॉन्स में वही चार वैरायटी, वही सब कुछ। हेड्रॉन के आगे की पूरी कहानी आप पीछे देख चुके हैं, और लेप्टॉन के, और हाँ लेप्टॉन के भी आगे की पूरी कहानी आप देख चुके हैं। तो इस वाले इंटरेक्शन में, इस वाले क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये पहली लाइन आपको ध्यान रखनी थी, बाकी पूरा कहानी वही है जो कि स्पिन वाले क्लासिफिकेशन में था। ठीक है, तो बस इतना ही, बाकी ये चीज हम आपको पीछे बता चुके हैं, मेसॉन और बैरियन को एक वर्ड में हेड्रॉन बोलते हैं, मेसॉन और बैरियन को एक वर्ड में हेड्रॉन बोलते हैं। एक और जान लीजिए, केऑन और हाइपरॉन को हम स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं। केऑन्स मतलब ये वाले जो केऑन्स हैं इस कैटेगरी के, और इधर ये जो आपके हाइपरॉन्स हैं इनको हम एक वर्ड में बोलते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखें, ये दो चीजें भी पूछी जाती है, खास करके ये वाला बड़ा फेमस है स्ट्रेंज पार्टिकल का केस। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। लास्ट क्लासिफिकेशन देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के बेसिस पर एलिमेंट्री पार्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल पार्टिकल उनको बोलते हैं जिनका हाफ लाइफ 10^-23 सेकेंड से ज्यादा होता है, उनको हम स्टेबल पार्टिकल बोलेंगे, और जिनका हाफ लाइफ 10^-23 सेकेंड के बराबर या उससे कम होते हैं उनको हम अनस्टेबल पार्टिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है, डिफिनीशन में उतना कुछ खास नहीं है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, ग्रेविटॉन, पायॉन, ये सब एग्जाम्पल और भी हैं, बट इतना आपको याद रखना है कि ये सब स्टेबल पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं,
और इधर जो हमने लिखा हुआ हाइपरॉन्स म्यूऑन्स न्यूट्रॉन्स, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से दोनों इधर है लेकिन जो तीसरा है न्यूट्रॉन वो इधर है, तो वो आपका अनस्टेबल पार्टिकल बोला जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इनका जरूर बता दें। तो ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं लेकिन थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, आपको बैठना होगा, मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसी वजह से मैं बच रहा हूं इस चीज से। और इसका वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी तो मैं भेज सकता था, लेकिन मैं बता ही देता हूं आप कह रहे हैं तो। देखिए यहां पर वापस आते हैं, यहां पर सबसे पहले आप इस वाले में देखिए, मेसन की अगर बात करें तो इसमें है के पाई और ईटा। अब जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं वो एक्चुअल में बहुत ही प्रोफेशनल ट्रिक नहीं है, मैंने जितने भी ट्रिक अभी जैसे आपने रेडियो एक्टिव सीरीज की बात करी जो आपने तनुआ से याद किया है, तो वो मेरी पर्सनल, मैं अपने लिए उसको यूज करता हूं चीजों को याद करने के लिए, रखने के लिए। अब मेरे पास इतना टाइम था कि नहीं कि मैं इसके लिए और कुछ ऐसा बढ़िया सा ट्रिक बनाऊं जो मैं प्रोफेशनली क्लास में बता पाऊं, तो मैं वही वाली ट्रिक बताने जा रहा हूं जो बहुत ही चीप है, जो मैंने अपने लिए यूज किया है। तो आपने रेडियो एक्टिव सीरीज में देख लिया तनुआ से आपने टी एन यू और ए चारों सीरीज आपने याद कर लिया, वैसे ही अगर आपको मेसन को याद करना है के मेसन पाई मेसन और ईटा मेसन, तो पता ही है घर बनाने के लिए ये जो इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं ब्रिक्स, वैसे तो इसका प्रॉपर नाम है ईट लेकिन बहुत सारे लोग इसको इस नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है ना। और के का मतलब हुआ जैसे जिसको हम कौन बोलते हैं वो दूसरी भाषा में के भी होता है। तो मान लीजिए अगर सामने घर बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे ईट ला करके रखे हुए हैं और आपने अपने दोस्त से झगड़ा किया हुआ है कि जो वो ईट पाएगा, मतलब एक आपने शर्त लगाया दो बच्चों के बीच में कि जो इसमें से वो ईट पा जाएगा वो लेकर चला जाएगा और अपना घर बना लेगा, ठीक है। तो आपने एक स्टेटमेंट बोला वहां पर क्या कि देखते हैं कि आप में से वो ईट कौन पाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्रिक के पाई ईटा, के फॉर केयॉन्स के मेसन, पाई मतलब पाइयॉन्स यानी पाई मेसन और ईटा मतलब ईटा मेसन, ठीक है। तो के पाई ईटा में जितने भी लोग आते हैं के पाई और ईटा मतलब के मेसन पाई मेसन और ईटा मेसन वो सब होते हैं आपके मेसन। तो मेसन को याद करने के लिए अगर ये लाइन याद है तो क्लासिफिकेशन इतना तो अब दिमाग काम करेगा ना, के है तो के मेसन, पाई है तो पाई मेसन, ईटा है तो ईटा मेसन, इतना कर ले जाएंगे आप, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप गुस्सा भी हो रहे होंगे हमारे ऊपर, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही ने कहा है, ठीक है, आप ही ने बोला तो मैं सुना देता हूं सब। नेक्स्ट आप देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में है इलेक्ट्रॉन है म्यूऑन है और टाउऑन है, ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, जैसे दादाजी को गांव में ताऊजी बोलते हैं है ना, तो आपके ताऊजी बैठे थे और आप अपने दोस्त को लेकर गए घर पर उनसे मिलाने, फिर आपने कहा कि ये मेरे ताऊजी हैं और उसके लिए आपने क्या बोला, आपने बोला ई मोरे ताऊ, मतलब ये मेरे ताऊजी हैं, तो ई मोरे ताऊ से ई फॉर ईटा सॉरी ई फॉर इलेक्ट्रॉन और मोरे से म से म्यूऑन और टाऊ से टाऊ मतलब ताऊ से टाऊ, तो ई मोरे ताऊ मतलब इलेक्ट्रॉन म्यूऑन और टाउऑन मतलब इलेक्ट्रॉन म्यू मेसन और टाऊ मेसन, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन को याद करने के लिए ये वाली लाइन याद करनी होगी अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज तो जैसे भी याद हो जाए आप वैसे कर लीजिए। और नेक्स्ट यहां पर आप देखिए न्यूक्लियॉन में तो कोई दिक्कत है नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबको पता ही होगा, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल को न्यूक्लियॉन बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन, न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, ठीक है। हाइपरॉन की बात करें तो हाइपरॉन को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि ये किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है सिग्मा, एक जैसे किसी पर्सन का नाम था ना वायरस और पता नहीं क्या क्या साइलेंसर, तो वैसे ही किसी का नाम सिग्मा है, उनको जाना है एक जगह है जिस जगह का नाम है लैम्डा और उस लैम्डा के आगे फिर एक और जगह पड़ेगी जिसका नाम है ओमेगा। तो आप किसी से बता रहे हैं किसी तीसरे से कि ये जो दूसरा है सिग्मा वो अभी जाएगा कहां कहां जाएगा, पहले लैम्डा जाएगा मतलब लंदन जाएगा, फिर उसके बाद ओमेगा जाएगा मतलब अमेरिका जाएगा, ठीक है, पहले लंदन जाएगा फिर अमेरिका जाएगा, कौन सिग्मा।
तो सिग्मा जाएगा लैम्डा ओमेगा, ठीक है। तो ये लाइन आप यहां से याद कर सकते हैं, इसका मतलब सिंपल सा ही है, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं बनी है, बस इस चीज को दिमाग में एक एज ए स्टोरी अगर आप याद रखते हैं तो याद हो जाएगा। सिग्मा जाई लैम्डा ओमेगा पूरा लिखा है, वही पार्टिकल का भी नाम है तो कुछ अलग नहीं है, इन दोनों में थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब खुश, ठीक है। के पाई ईटा से के मेसॉन, पाई मेसॉन ईटा मेसॉन, ई मोरे ताऊ से इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउऑन, और सिग्मा जाई लैम्डा ओमेगा से सिग्मा जाई लैम्डा ओमेगा, यानी पूरे के पूरे हाइप्रॉन। इसमें पूरे हाइप्रॉन आ गए, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें पूरे आपके मेसॉन आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया था हमारा, और इसमें हमने ये भी आपको बता दिया थोड़ा सा क्वार्क मॉडल के बारे में, हम हल्का सा आपको ओवरव्यू देंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, कोई बहस नहीं होगी बहुत डेप्थ में जाकर के। क्वार्क मॉडल का कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस है, मतलब कुछ एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें चीजों को देखने को मिलता है, बट उसका बहुत कोई सॉलिड प्रूफ उस तरीके से हम डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। क्वार्क जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, और जो 6 टाइप के क्वार्क होते हैं उनको भी याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये फिर से एक चीप ट्रिक है, मैं बता दूंगा, आपको बर्दाश्त करना होगा। ये टीयूसी है और यहां पर डीएसबी है, तीन क्वार्क ये हैं, टोटल 6 क्वार्क हैं, और जो 6 क्वार्क हैं उनके नाम क्या क्या हैं मैं यहीं से फुल फॉर्म बता देता हूं। ये है टॉप क्वार्क, ये है अप क्वार्क, ये है चार्म क्वार्क, ये है आपका डाउन क्वार्क, ये है आपका स्ट्रेंज क्वार्क, और ये है आपका बॉटम क्वार्क, है ना। तो टॉप बॉटम होता है, अप डाउन होता है, चार्म और स्ट्रेंज होता है, 6 तरह के क्वार्क होते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 तरह के क्वार्क होते हैं इनके पास जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शन में होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है इसके पास। हम लोग जो बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो हम यही कहते हैं ना, किसी भी एटम के पास जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट्री पार्टिकल सॉरी फंडामेंटल चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसा वाला, है ना। लेकिन यहां पर आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो आपका क्वार्क होता है उसके पास जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, e/3 और 2e/3 के फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो क्वार्क होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं हो सकते। जब भी हम किसी एटम को आयनाइज करते हैं, मतलब जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आता है, मतलब उसमें से या तो हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं, हम उसके न्यूक्लियस के अंदर तो कोई चेंज करते नहीं। और ये जो आपका क्वार्क होता है, इन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं मेसॉन और बैरियन, दैट मींस हेड्रॉन्स, है ना। आप देखिए न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो इधर घूमता है बाहर, और इलेक्ट्रॉन तो आपका एक प्योर एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ट्रू एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रू एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है ट्रू सेंस में देखा जाए तो, है ना। क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बने होते हैं क्वार्क से, न्यूट्रॉन भी बना होता है क्वार्क से, कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बने होते हैं ये भी आप याद कर लीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं उसमें अप क्वार्क होता है और डाउन क्वार्क होता है, लेकिन इसमें 2 अप है 1 डाउन है, इसमें 1 अप है 2 डाउन है। अगेन मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं, दैट इज अगर आप पिक्चर वगैरह देखते होंगे तो पता ही होगा, दबंग नाम का एक फिल्म आया था और उसमें एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, मुझे बहुत पसंद भी है, वो गाना है उर दबंग दबंग। तो आप उस गाने से इसको रिलेट कर लीजिए कि जो प्रोटॉन होता है वो कैसे है, UUD मतलब उड़ दबंग, ऐसे याद करना है। और अगली लाइन आपको पता है उड़ दबंग और दबंग, ठीक है, मतलब सब मैं फर्जी बोल रहा हूं आज, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन बना होता है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। ये सिक्वेंस कभी हमेशा ये उल्टा हो जाएगा, तो आपको ये याद रखने के लिए प्रोटॉन के बाद ही न्यूट्रॉन का नाम लेना होगा, और गाना ऑटोमेटिक अपने सिंक्रोनाइज हो जाएगा, उड़ उड़ दबंग और उड़ दबंग दबंग, ऐसे आप पढ़ेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन जिन क्वार्क से मिलकर बने हैं वो आपको याद हो जाएगा। आप देखिए किसी भी एटम को चार्ज करने के लिए आप इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी करते हैं, वृद्धि करते हैं, किसी भी एटम को चार्ज करना या तो आप बाहर से इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, नेगेटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, ना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के अंदर, ठीक है। तो क्वार्क आपका फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन तो रह सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला या इलेक्ट्रॉन को डाला तो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही चेंज हो पाएगा, इसलिए जो भी इसके पास पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा वो इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना होगा, है ना।
क्योंकि ये क्वार्क है इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के अंदर। अगर आप प्रोटॉन को अच्छे से ऐसे झांके तो इसके अंदर आपको मिलेंगे क्या, एक अप, दो अप और एक डाउन क्वार्क। और अगर आप एक न्यूट्रॉन को अंदर अच्छे से झांके तो आपको मिलेगा क्या, एक अप और दो डाउन क्वार्क। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। इसके बाद तो हम आपको ये बता रहे थे कि ये जो छह क्वार्क आपके पास है, इन क्वार्क के चार्जेस को आपको याद रखना है कि कौन कौन से क्वार्क का चार्ज 2e/3 टाइप का होता है और किसका e/3 टाइप का होता है। तो ये टी यू सी में जो भी तीन क्वार्क है, टॉप, अप और चार्म, और इसमें जो तीन है डाउन, स्टेंज और बॉटम, इन क्वार्क को एक साथ, तीनों को एक साथ, इन तीनों को याद करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर जैसे ये स्क्रीन है और अगर मैं इसी पर अभी ऐसे ऐसे कस के इस पे मारूं तो उसमें से टक की आवाज आती है, और जो आवाज होती है उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में, है ना। ऐसे टक कस इसको मारेंगे तो जो आवाज आएगी उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में। तो टक मतलब एक तेजी से आवाज निकली, तो तेजी से आवाज निकलने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा वैल्यू, मतलब चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, और उसके बाद फिर डेसिबल मेजर कर लिया, छोटा सा काम है, तो इसका चार्ज कम है। ऐसे दिमाग में कुछ पिक्चर बना लीजिए। तो यानी ये वाले जो लोग हैं इनका चार्ज ज्यादा होता है, ज्यादा इन द सेंस न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, 2e/3, और डेसिबल वाले में, डेसिबल में डीएसबी में जितने लोग आते हैं वो e/3 मतलब इससे कम होता है। दो ही वैरायटी होती है, 2e/3 और e/3। प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है कि अगर आप इन क्वार्क को लेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा, इनका एंटी क्वार्क भी होता है। जैसे ये टॉप क्वार्क है ना, तो इसका एंटी टॉप क्वार्क भी होता है, इसका भी एंटी होता है, इसका भी एंटी होता है, जो इनके एंटी होते हैं उनके लिए माइनस यूज होगा। इसी तरह से ये जो तीनों आपके क्वार्क हैं, इन क्वार्क के चार्जेज होंगे e/3, लेकिन इनका जो एंटी क्वार्क होगा उनका चार्ज हो जाएगा -e/3। ठीक है, तो टक डीएसबी, तो टक में जितने लोग हैं 2e/3, डीएसबी में, डेसिबल में जितने लोग हैं वो e/3। ठीक है, चलिए इसके बाद एक सवाल ये पूछा जाता है, ये तो हमने पीछे बता दिया कि मेसॉन बने होते हैं एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से, और बैरियन जो होते हैं वो बने होते हैं तीन क्वार्क से, है ना, तीन क्वार्क से। तो ये जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इसी कैटेगरी में आते हैं ना, बैरियन की कैटेगरी। बैरियन को हम मेसॉन और हाइप्रॉन बनाते हैं, तो उसी मेसॉन में ही आपका आया था ना न्यूक्लियॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बैरियन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये तीनों, ये जो है तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, दो अप और एक डाउन से, ये है दो, एक अप और दो डाउन से, ये तो तीन क्वार्क से ये मिलकर बना होता है, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से ये मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन है कि टू मोस्ट स्मॉलेस्ट एंटी पार्टिकल करके ऐसे पूछा जाता है, सबसे छोटे एंटी पार्टिकल की अगर बात नाम बताने हो तो क्वार्क और इलेक्ट्रॉन, ये सबसे छोटे दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बस हो गया, ये पूरा स्लाइड कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा, ये जो भी कुछ उल्टा सीधा हमने बता दिया है इस मेथड से आप, क्योंकि ये इतनी ज्यादा संख्या में है ना कि वैसे याद करने पर थोड़ी समस्या हो जाती है, तो आपको इसी तरीके से याद करना होगा तभी ये पॉसिबल है इनको याद कर पाना इतना क्लियरली, अदरवाइज कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही आप लोग संख्या 100 से नीचे जाएगी वैसे ही हम क्लास रोक देंगे, चाहे जो टॉपिक हमारा है आज का वो पूरा हो या फिर ना हो। वैसे हमने आपको 10:30 बोला था, बट ये आगे जा रहा है लेकिन आसान है, तो मुझे लगता है हो जाएगा आराम से, तो कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर अगली क्लास लेंदी नहीं होगी, और ऐसे ऐसे रोज रोज टालेंगे तो हर अगली क्लास पे बर्डन बढ़ता ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज सारे हल्की हल्की चीजें हमने पढ़ी हैं, तो निपटा लेते हैं इसको, निपट जाएगा ये। देख लीजिए, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, अब हम और ज्यादा शॉर्ट में बता के खत्म करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं नेचर में, यूनिवर्स में जितनी भी फेनोमेना हमें आज तक पता है, उन हर एक फेनोमेना में इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक इंटरेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो पूरे यूनिवर्स में होने वाली हर एक फेनोमेना के लिए जिम्मेदार इन्हीं चारों में से कोई होता है। कौन चार लोग हैं, इनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, वही फोर्स या इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की अगर बात करें तो इसका रेंज होता है 10^-15 मीटर, मतलब इसी रेंज के अंदर इसका असर पड़ेगा, इसके बाहर बेकार हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो इसका रेंज है इनफाइनाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम करता है, इसका रेंज इनफाइनाइट होता है। हाँ, यह है कि डिस्टेंस बढ़ने से उसकी
इंटेंसिटी थोड़ी कमजोर तो होगी, लेकिन इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस या बहुत लंबी डिस्टेंस बोल सकते हैं। वीक इंटरेक्शन की बात करें तो वीक इंटरेक्शन का जो रेंज है वो 10^-17 से 10^-18 मीटर होता है। आप देखिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से भी ज्यादा कम। ये जो आपको 10^-15 हमने दिया वो एक्चुअल में किसी भी एटम के न्यूक्लियस का साइज होता है। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10^-15 मीटर के ऑर्डर का होता है। उससे भी मतलब न्यूक्लियस का जो इतना पूरा साइज है उससे उसके भी और अंदर जाएंगे और कम जगह में जाएंगे तो उतनी जगह में उतने कम स्पेस के अंदर इफेक्टिव होता है आपका वीक इंटरेक्शन। इसका रेंज है ये। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का भी रेंज बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये रेंज हो गए सबके। सबसे ज्यादा रेंज अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का है, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग का है और सबसे कम वीक का है। जब भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसी भी दो पार्टिकल के बीच काम कर रहा होता है तो उनके बीच में किसी ना किसी पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होता है। कोई भी इंटरेक्शन जब भी कहीं भी काम कर रहा होता है, जैसे ये चीज है, एक चीज ये है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन काम कर रहा है इन चारों में से, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर या उधर से इधर, जिनको हम मैसेंजर पार्टिकल भी बोल सकते हैं या एक्सचेंज पार्टिकल बोल सकते हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं पाइयॉन्स और ग्लुऑन्स। पाइयॉन्स आपने देखा ना, पाई मेसॉन, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, आपने पढ़ा है यूकावा की मेसॉन थ्योरी, जिन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट हो रहा होता है तो उनके बीच में पाई मेसॉन का एक्सचेंज होता है। तो इस वजह से यह है। दूसरी बात यह कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन के बीच में काम करता है, न्यूक्लियॉन मतलब कौन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम करेगा, क्या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब एक तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, जिनके पास चार्ज नहीं है उनके बीच में भी ये काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और पार्टिकल यहां पर लिखा हुआ ग्लुऑन, इसको आप समझ लीजिए। तो यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो आपने अभी अभी देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन अलग, तीन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो जब भी कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इंटरेक्शन की हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करेंगे, तो और डेप्थ में अगर हम जाएं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर है क्या, इसके अंदर है क्या, यह है यूयूडी और यह है यूडीडी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होने का मतलब इन क्वार्क के बीच में इंटरेक्शन, और क्वार्क के बीच में इंटरेक्शन के लिए जो एलिमेंट्री पार्टिकल की हम बात करते हैं वो होते हैं ग्लुऑन्स, है ना, ये नाम याद रखिए। क्वार्क के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उनके बीच में जो एलिमेंट्री या मैसेंजर, सॉरी, जो एक्सचेंज या मैसेंजर पार्टिकल होते हैं वो होते हैं ग्लुऑन्स, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करें तो जब भी दो पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन काम करता है तो उनके बीच में एक्सचेंज होता है फोटोन, है ना, गामा फोटोन। वीक इंटरेक्शन में एलिमेंट्री एक्सचेंज पार्टिकल है वेक्टर बोसॉन, डब्ल्यू प्लस माइनस और जेड नॉट, ये नाम याद रखिए, इनको वेक्टर बोसॉन बोलेंगे। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं दोनों मासेस के बीच में, जिनमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो ग्रेविटॉन होता है और इसका स्पिन 2 होता है। बहुत ही स्पेशल बात है ये, ठीक है। चलिए अब इसमें हम स्पिन की भी बात करेंगे। स्पिन जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का ये जीरो है, मतलब ये पार्टिकल जो है इनका स्पिन जीरो है, इनका वन है, इनका भी वन है और इनका यहां पर टू है, ये पूरा लिखा हुआ स्पिन, जो एक्सचेंज पार्टिकल है उनका हमने स्पिन लिख दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को मान लें वन, अगर हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की ताकत को, स्ट्रेंथ को मान लें वन, तो उसके रिस्पेक्ट में उसके रिलेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन 10^-3 टाइम्स होता है, मतलब 1000 गुना कमजोर होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन यानी कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव वाला जो फोर्स है, वो फोर्स न्यूक्लियर के अंदर लगने वाला स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके रिस्पेक्ट में 1000 गुना कमजोर होता है, ठीक है। और ये कितना कमजोर होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर ही वीक इंटरेक्शन काम करता है वो इससे आप देख लीजिए 10^-11 गुना है, तो मतलब इतने गुना ये कम होता है ना, 10^11 टाइम्स कम होता है। और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 10^-40 ऑन एवरेज, 40 थोड़ा बहुत चेंज होगा पार्टिकल के हिसाब से, तो ये 10^-40 है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इस ऑर्डर में ये लगातार कमजोर होते जाते हैं। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ ये इनके स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यही होता है दुनिया में अभी तक मालूम, सभी चार फंडामेंटल इंटरेक्शन में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है और ये वीकेस्ट इंटरेक्शन है।
और कितना गैप है स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट के बीच में, 10^-14 टाइम्स का, ठीक है। और आप इसको देख लीजिए, 1 टाइम्स ये है अगर, तो 10^-3 टाइम्स है, 10^-11 टाइम्स और 10^-40 टाइम्स है, ठीक है। चलिए इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टाइम यहां पर आप देख सकते हैं या लाइफ टाइम कह सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम है 10^-23 सेकंड है, इनका है -10^-16 से लेकर 10^-20 सेकंड तक, और इनका है 10^-6 से -13 सेकंड तक, और इनका है 10^-16 सेकंड तक। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक टाइम भी सबका याद रखना होगा। कई बार ऐसा हुआ है सवाल ऐसे देगा, कैरेक्टरिस्टिक टाइम अगर इतना है तो बताइए इंटरेक्शन कौन सा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम, अच्छा ये नहीं देता है, कई बार ऐसे दे देगा 10^-10 दे देगा, अब बताइए कौन सा है। तो 10^-10 इसी के तो बीच में लाई करेगा, -6 और -13 के बीच में, तो ऐसे दे देगा और आपसे कहेगा कौन सा इंटरेक्शन है, तो आप यहां से बता सकते हैं। तो आपको ये प्रॉपर ये चार्ट आपको याद करना होगा, ठीक है, ये पूरा टेबल आप याद कर लीजिए। छोड़ दीजिए सर, थोड़ा सा बचा है इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, थोड़ा सा की वजह से फिर अगले दिन फिर वापस आना पड़ेगा। अच्छा मैं देख लेता हूं एक बार कितने स्लाइड और बचे हुए हैं, फिर मैं बताता हूं। एक तो आपका ये है, उसी से रिलेटेड है, फिर इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी है, इसके बाद है, अच्छा इसका मतलब कि आप लोग डर जाएंगे, ज्यादा तो है नहीं वैसे, यही खत्म हो जाएगा ये, इन सब में 2 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करने में। ऐसा करते हैं, हाँ 100 के नीचे नहीं आने वाले हैं, ये भी एक बात है, और एक काम करते हैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं क्योंकि आपको पता ही होगा, अब ये मैं मान लेता हूं, तो मैं बस जो बोलना चाहता हूं थोड़ी थोड़ी बात वो मैं बोल देता हूं, आप दोबारा से इसको पढ़ लेंगे नोट से तब भी हो जाएगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी जो है वो आज करके इसको हम निपटा देते हैं, है ना। देख लीजिए बस जल्दी से, अब ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, 10 मिनट और दीजिए खत्म, 10 मिनट और, मात्र 10 मिनट, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एक होता है और एक वीक इंटरेक्शन होता है, जो जिसका रेंज बहुत ही कम है, जो न्यूक्लियस के अंदर ही सीमित होता है, इसलिए हम इनको माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बहुत लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, इंटरेक्शन हैं, इनको हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, माइक्रो बड़ा होता है, माइक्रो छोटा होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में कुछ खास 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 पॉइंट्स हैं, यहां से आप देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, नॉन ग्रेविटेशनल होता है, मतलब ना तो ये मास के ऊपर डिपेंड करता है ना तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये चार्ज और मास से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का नहीं होता है, ये जो कि न्यूक्लियॉन के बीच में काम करता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का नहीं होता है ना, ये रिपल्सिव नेचर का भी होता है। और इसका ग्राफ ऐसा है कि अगर दो न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस देखें तो जब इनके बीच की डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आने का मतलब कि अट्रैक्शन का फोर्स है ना, अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिए जीरो है, जीरो से नीचे ये निगेटिव और ये ऊपर पॉजिटिव, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है यानी बढ़ने लगती है, तो आप कह सकते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन काम करता है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, इसका एक कुछ नाम भी है, मुझे भूल रहा है इस पॉइंट का नाम,
इस आर नॉट को हम शायद स्टेबल मतलब इस सिचुएशन को हम स्टेबल डिस्टेंस बोलते हैं या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं, सॉरी इनको हम बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो ये आर नॉट जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर न्यूक्लियनों के बीच में है तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अगर इससे कम डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियन के बीच में तो रिपल्सिव नेचर का होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नॉर्मली ये अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है, लेकिन डिस्टेंस जब बहुत कम होते होते इस डिस्टेंस से भी इस लेंथ से भी कम हो जाए तो ये रिपल्सिव नेचर का हो जाता है। और इसका ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको यहां पर मेंशन कर दिया। वीक इंटरेक्शन वहां पर देखने को मिलता है जहां पर किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में मतलब जो एलिमेंट्री पार्टिकल भाग लेते हैं, जब कोई न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां पर वीक इंटरेक्शन पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिविटी में बीटा डीके की जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, बीटा डीके का मतलब क्या, बीटा माइनस भी हो सकता है बीटा प्लस भी हो सकता है। तो बीटा माइनस हो चाहे बीटा प्लस डीके जब होता है तो ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। इस न्यूक्लियर प्रोसेस में जो पार्टिकल्स आपके पास आ रहे हैं, अगर आप देखें यहां पर ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं, तो यहां पर आपका वीक इंटरेक्शन हावी हो जाता है या वो डोमिनेट करने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी कहते हैं लोग कि जिस रिएक्शन में न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो आ जाए वहां पर वीक इंटरेक्शन काम करता है। तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक और जनरल ये है तरीका कि जहां पर भी जब भी कोई न्यूक्लियर प्रोसेस हो तो उसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं तो न्यूक्लियर प्रोसेस का ही हिस्सा है ना ये बीटा डीके, तो रेडियो एक्टिविटी में, तो उसमें जो है वीक इंटरेक्शन काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर स्क्वायर के रूप में फोर्स घटता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको हम कह सकते हैं, ये इन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कूलम्स लॉ के फार्मूले में देखा होगा 1/4πε0k आता है तो यहां पर मीडियम बदल देंगे तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k बदल जाएगा तो फोर्स भी बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। नेचर में ये फोर्स सेंट्रल होता है और कंजर्वेटिव होता है। आपको पता है सेंट्रल और कंजर्वेटिव की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव भी होता है और सेंट्रल भी होता है ये, और ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज है तो रिपल्सिव और अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव होता है ये। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करें तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी सेंट्रल होता है कंजर्वेटिव होता है, लेकिन एक खास बात इसके साथ यह है कि यह सबसे कमजोर फोर्स भी है, यह सबसे ज्यादा मजबूत था यहां पर, और यह हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यह रिपल्सिव नेचर का नहीं हो सकता है। इसके दो नेचर पॉसिबल इसलिए हुए क्योंकि चार्ज की दो वैरायटीज होती हैं, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है सेम या अपोजिट वाली, तो दो टाइप के ये फोर्सेस हो गए। लेकिन मास हमेशा एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो भी एक ही होता है और वो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और ये जो है वो देखिए बीच के मीडियम पर डिपेंड कर रहा था, दो चार्जेस के बीच का मीडियम बदल देंगे तो फोर्स बदल जाएगा, लेकिन दो मासेस के बीच का मीडियम बदल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे जो हमने यहां पर लिखे हुए हैं, अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई खास मतलब खास तो है ही लेकिन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इसलिए आप इसको कर लीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी देख लीजिए क्या है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन से उनका टोटल मास निकाल सकते हैं। अगर पता है 10 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, हर एक प्रोटॉन का मास बता सकते हैं, हर एक न्यूट्रॉन का मास बता सकते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन करके हमने 10 प्रोटॉनों और 4 न्यूट्रॉनों का टोटल मास गुणा भाग कर लिया, उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड मास। लेकिन जब हम एक्चुअली उसका मास एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं न्यूक्लियस का, तो वो मास को हम बोलेंगे एक्चुअल मास। और देखने को यह मिलता है कि एक्चुअल मास हमेशा कैलकुलेटेड मास से कम निकलता है, मतलब एक्चुअल में जो मास है वो जितना आना चाहिए उतने 10 प्रोटॉनों और 4 न्यूट्रॉनों को मिलाकर के उससे कम ही आएगा। तो यहां पर कैलकुलेटेड और एक्चुअल मास का अगर हम डिफरेंस निकालें, कैलकुलेटेड मास का मतलब सभी प्रोटॉनों का मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ये एक प्रोटॉन का मास है, तो सभी प्रोटॉनों का मास, और ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए में से जेड माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, और ये एक न्यूट्रॉन का मास है तो मल्टीप्लाई करेंगे सभी न्यूट्रॉनों का मास आएगा। तो सभी प्रोटॉनों और सभी न्यूट्रॉनों के मास में से न्यूक्लियस के एक्चुअल मास को माइनस कर दिया तो जो निकल के आया उसको हम बोल दिया मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट से हम सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से, तो हमें इतने मास डिफेक्ट की बदले में जो एनर्जी मिल सकती है वो एनर्जी मिल जाएगी, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी।
और इसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब आपस में बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस उन्होंने बनाया हुआ है ना। तो न्यूक्लियस में सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों यानी न्यूक्लियनों के एक साथ कितनी एनर्जी से वो बंधे हुए हैं वो डिपेंड करता है कि जब वो बन रहे थे तो कितना मास डिफेक्ट हुआ था, कितना उसके बदले एनर्जी क्रिएट हुई थी, उसी एनर्जी से वो बंधे हुए आपस में है ना। जितना मास डिस्ट्रॉय हुआ उसके बदले जो एनर्जी आई उसी एनर्जी से वो बंधे हुए हैं। अगर आप उनको तोड़ना चाहते हैं तो उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से वो बंधे हुए, यानी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तभी वो अलग होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, और एक चीज ये पता ही होगा आपको कि एक एएमयू जो मास होता है, एएमयू मास का यूनिट होता है और इसकी वैल्यू 1. वही प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल होता है। एक एएमयू मास को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे यहां पर डिफेक्ट हो गया मास उतना डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस मास के बदले कितनी एनर्जी मिलेगी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर यहां पर एक एएमयू मास हो, इसको सॉल्व करें और उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो यह आता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक एएमयू मास इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये डाटा आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए जो आपने यहां से निकाली है बाइंडिंग एनर्जी, अगर उसको आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से या मास नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है ये, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिस एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके लिए वैल्यू कम होती है वो उतना कम स्टेबल होता है। तो यहां पर हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में ग्राफ खींचा गया और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे कम होगी वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो होता क्या है कि यहां पर पीक पर एकदम पाया जाता है आयरन Fe2656, और हमने एकदम शुरुआत में रेडियो एक्टिविटी में आपको बताया हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है बिस्मथ, लेकिन मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है आयरन 2656। और अगर आपने लेक्चर देखे होंगे जो हमने आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ यूट्यूब पर, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपने किया होगा, पूछता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का नेचर क्या है, इवन की ऑड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन होगा कि नंबर ऑफ और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इवन होगा कि ऑड होगा, ये आपको बताना था। तो ये तो आप तब बता पाएंगे जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चलेगा, और ये तो आप तब बता पाएंगे जब आपको पता चलेगा उस एलिमेंट का नाम क्या है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आयरन 2656 जो है ये वो एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है और वो कितनी होती है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आसपास वाले उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक सवाल पूछा गया है कि जनरली एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किस ऑर्डर का होता है, तो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा है 8.8। तो अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से आप माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30, नंबर ऑफ प्रोटॉन 26, दोनों के दोनों क्या है, इवन है। तो ई की वैल्यू भी इवन और जेड की वैल्यू भी इवन होगी, किसके लिए, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, बस अब इसके बाद आप देखिए एक यहां पर बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ड्यूट्रॉन ड्यूटेरॉन जो होता है उस ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कितनी होती है। वो तो आप निकाल लेंगे, आपको एग्जाम में ये सब डाटा दिया जाएगा, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ड्यूट्रॉन का मास। तो आपने क्या किया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन से यहां से आपने निकाला मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट निकालने के बाद क्या किया, मास डिफेक्ट से आपने एनर्जी निकाली, और एनर्जी को आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ड्यूटेरॉन के में जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होते हैं उससे डिवाइड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमने सिर्फ डाटा ऐसे दिखा दिया है आपको, अगर हो सके तो ये चीज ध्यान रखिए। मेन चीज ये है कि ये आप तब कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की जगह पर या मास नंबर की जगह पर क्या रखें, अगर बात ड्यूटेरॉन की हो रही है तो ड्यूटेरॉन होता क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो ये सब बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमने आइसोटोप आपको दिखा दिए हाइड्रोजन के, तीन आइसोटोप होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है ना। तो जिनके लिए एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होता है उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाए तो एक प्रोटॉन है और इसमें से इसको माइनस किया 0 न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है माइनस किया 1 न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है माइनस किया 2 न्यूट्रॉन है,
इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन दिखा दिया, न्यूट्रॉन है नहीं, और इसके बाद ये इसका ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसमें एक प्रोटॉन है माइनस किया, एक न्यूट्रॉन भी है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होता है नॉर्मल स्टेट में। यहां पर एक प्रोटॉन है और इसमें से इसको माइनस किया, दो न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है। तो जब हम इस पूरे एटम की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया प्रोटियम, इसकी पूरी बात करेंगे तो ये हो गया ड्यूटीरियम, इसकी पूरी बात करेंगे तो ये हो गया ट्राइटियम। लेकिन इस प्रोटियम के न्यूक्लियस के अंदर देखें जहां पर सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं ना, यानी प्रोटॉन मतलब क्या, न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम, प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलेंगे, ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोलेंगे और ट्राइटियम के न्यूक्लियस को ट्राइटॉन बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्राइटॉन के बारे में ये वो ऐसा वैसा, ड्यूटेरॉन के बारे में, प्रोटॉन तो फिलहाल सबको याद है, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन, तो ये चीज आपको तभी क्लियर होगी जब आप इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। ड्यूटेरॉन मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का ये पूरा कलेक्शन, और ट्राइटॉन मतलब एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का ये पूरा कलेक्शन, है ना, ये है ट्राइटॉन, पूरा ट्राइटियम, ड्यूटेरॉन ड्यूटीरियम। तो ड्यूटेरॉन क्या है, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस, तो ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन और ट्राइटियम के न्यूक्लियस को ट्राइटॉन और प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, बस इसी चीज के लिए हमने यहां पर इस बात को लिख दिया था, और ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने ड्यूटेरॉन का लिखा, किसी और का नहीं लिखा हुआ है। बाकी एग्जाम में डाटा आपको दिया जाएगा, कैलकुलेशन ही करना होगा, थोड़ा लेंदी जाएगा, अगर डाटा याद रहे तो हो सकता है ऑप्शन मिल जाए तो काम हो सकता है आपका। ठीक है, बस अच्छा ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं इसमें पढ़ेंगे। बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एटॉमिक नंबर को, सॉरी हाँ, एटॉमिक जो मास होता है उसको हम काफी एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं, है ना। तो एटॉमिक मास को एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए हमने ये डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का ये पूरा डायग्राम होता है, मैं इसको कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि जो हमने लेक्चर आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड किए हैं पूरी डिटेलिंग इसकी वहां पर है, और बिल्कुल सेम चीज हमने लिखा हुआ है, हम बस ओवरव्यू दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ आयन बीम, यहां से इलेक्ट्रॉन या आयन जो भी है वो जाएगा, और एक वेलोसिटी सेलेक्टर यहां पर लगा हुआ है, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम एज अ वेलोसिटी सेलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों परपेंडिकुलर है, और कोई चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से इधर आपने भेज दिया, तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएगा, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर इधर लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और अगर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे आपने फेंका था वैसे ही सीधे चला जाएगा, अदरवाइज जो डोमिनेट कर रहा होगा ये पार्टिकल उधर ही की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर ये डोमिनेट करेगा इधर चला जाएगा, ये डोमिनेट करेगा तो इधर चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो ये बिना डेविएट हुए बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि बिना डिफ्लेक्ट हुए अगर कोई पार्टिकल जा रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है, तो क्यू इक्वल टू क्यू वी बी, कैंसिल किया वी इक्वल टू ई बाई बी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपान बी वाली वैल्यू के बराबर होगी वही पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल के जाएगी। इस पूरे डिवाइस को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल को सिलेक्ट करने का तरीका हो गया, है ना। तो वो चीज यहां लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको डॉट डॉट करके बनाना था लेकिन बन नहीं पा रहा था इसमें, तो इसलिए हमने ऐसे बना दिया। तो ये जब आगे जाते हैं और यहां पर फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड बी यहां लगाया जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कोई इधर जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, मतलब अलग अलग सर्कुलर पाथ पर ये घूमते हुए इधर जा रहे हैं, जिनका हमें स्ट्राइक यहां पर मिलता है, स्पेक्ट्रम यहां पर हमें मिलता है। ठीक है, इसके लिए जब हम ये कंडीशन पूरा बनाते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स और सॉल्व करते हैं तो निकल के आता है आर इक्वल टू एम ई अपान क्यू बी बी डैश, जहां बी मतलब क्या, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो यहां लगा था, और बी डैश मतलब यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो। तो ये फार्मूले से बस एक इंफॉर्मेशन आपको ये देखनी है कि अगर हम क्यू अपान एम निकालें तो क्यू अपान एम प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये उल्टा करना होगा और ये सबको उधर ले जाना होगा, तो ये आएगा वन अपान आर अगर ई बी और बी डैश की वैल्यू फिक्स कर दी जाए। यानी अगर अलग अलग आयंस इधर आ रहे हैं तो उनके चार्ज और मास का जो रेशियो होगा, जिनको हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, वो उनके
रेडियस के, रेडियस सर्कुलर पाथ के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। ये बात। दूसरी बात, अगर सभी आयंस जो आ रहे हैं उनके चार्ज भी सेम हो जाएं तो मास और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो एम प्रोपोर्शनल टू आर, जिनका मास जितना ज्यादा होगा वो उतने बड़े सर्कुलर पाथ पर घूमेंगे, है ना। इसके एडवांटेज की बात करें, और भी डिवाइसेस के पहले इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह के टाइप के, तो ये जो आपका बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ है इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो ये स्केल यहां लगा हुआ है इस पर रीडिंग वगैरह जब ली जाती है तो ये लीनियर स्केल है, इसलिए बहुत ही एक्यूरेसी से मेजरमेंट हो जाता है। इसकी सेंसिटिविटी को हम चेंज कर सकते हैं, अगर यहां लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड और इसके इस ये चैम्बर के एरिया को बढ़ा दे तो इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, और इसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो किसी भी दूसरे स्पेक्ट्रोग्राफ के रिजॉल्विंग पावर से काफी अच्छा होता है, काफी एक्यूरेसी से मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें, और कुल मिलाकर के इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्यूरेसी से एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, ठीक। बस बाकी डिटेल के लिए आप ऐप के अंदर लेक्चर देख लेंगे। सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला क्या है, इसको हम वेथ वेस्टेकर मास फार्मूला भी बोलते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर ये जो नाम है इनका वेथ वेस्टेकर, इन्होंने एक फार्मूला दिया था क्या निकालने के लिए, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। किसी भी न्यूक्लियस के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में वेथ वेस्टेकर ने एक फार्मूला दिया था, और उसके लिए इस्तेमाल किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो कि एक न्यूक्लियर मॉडल है, उसके बेसिस पर इन्होंने दिया था। इसी फार्मूले का नाम है सेमी इंपीरिकल मास फार्मूला, और इन्होंने जो फार्मूला दिया वो ये दिया कि किसी भी एटम का जो मास होगा वो होगा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस ये है ई अपान सी स्क्वायर, ई अपान सी स्क्वायर, ये फार्मूला दिया था इन्होंने एटम के मास को निकालने के लिए। तो सी तो आपको पता है, ये जो ई बी है वो एक्चुअल में है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इसके पांच कंपोनेंट होते हैं, वही हमें यहां पर ध्यान रखना है। बाइंडिंग एनर्जी के पांच कंपोनेंट है वॉल्यूम, सरफेस, और ये कूलाम, और ये असिमेट्रिक, और ये पेयरिंग। आपको पांचों का फार्मूला देखना है कि वॉल्यूम ये होता है वॉल्यूम एनर्जी टर्म, तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म इक्वल टू होता है सम कॉन्स्टेंट इंटू ए मतलब मास नंबर, मतलब वॉल्यूम एनर्जी टर्म मास नंबर के पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एनर्जी टर्म की बात करें तो ई एस इक्वल टू माइनस ए एस ए पावर में टू बाई थ्री, मतलब जो सरफेस एनर्जी है वो ए पावर टू बाई थ्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस का मतलब यह है कि ये बाइंडिंग एनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश करता है, ठीक है। कूलाम एनर्जी की बात करें तो इसके लिए भी माइनस आता है, ये भी घटाने की कोशिश कर रहा है, कूलाम में रिपल्सन अगर हो रहा है तो ये बाइंडिंग एनर्जी को घटाने की कोशिश कर रहा है, और ये इसके लिए एक्सप्रेशन है जेड जेड माइनस वन अपान में ए पावर वन बाई थ्री, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए पावर माइनस वन बाई थ्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। असिमेट्रिक एनर्जी टर्म में क्या होता है, यहां पर ए माइनस टू जेड है। अब यहां पर ध्यान ये क्लियर करना मुश्किल लग रहा है कि ए के पावर कैसे डिपेंड करेगा, तो आपको पता है कि ए इक्वल टू होता है एन प्लस जेड, तो इसका मतलब ए की जगह पर अगर आप एन प्लस जेड रखें तो क्या जाएगा एन प्लस जेड, और माइनस में टू जेड पावर टू था और अपान में ए था, तो जेड माइनस टू जेड करेंगे तो यहां से आएगा क्या माइनस जेड, तो कुल मिलाकर यहां बन जाएगा एन माइनस जेड और यहां पर बनेगा ए। तो अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू ए पावर माइनस वन, और यहां से पेयरिंग एनर्जी टर्म है जो ए पावर थ्री बाई टू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुल मिलाकर के आपको यहां से जो सीखना है वो ये कि जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है, जो सरफेस एनर्जी टर्म है, जो ये कूलाम्बिक है, जो पेयरिंग है, असिमेट्री है, ये लोग मास नंबर के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। और ये याद करने के लिए हम एक और आपको आसान तरीका बता दें, आप ऐसे लिखिएगा वॉल्यूम सरफेस वी एस कूलाम्बिक असिमेट्रिक और पेयरिंग, ये पांचों एनर्जी टर्म हो गए, ये लोग एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर ए के पावर कितने पर डिपेंड करते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो पहला वाला है वो पावर वन पर डिपेंड करता है, जो दूसरा वाला है वो पावर टू बाई थ्री पर डिपेंड करता है, जो तीसरा वाला है वो पावर माइनस वन बाई थ्री पर डिपेंड करता है, जो चौथा है वो पावर माइनस वन पर डिपेंड करता है, और जो पांचवा है वो पावर माइनस थ्री बाई सॉरी माइनस वन यहां पर है और यहां पर माइनस थ्री बाई। तो आप इसी चीज को बार बार लिख लिख करके कैसे भी रट करके प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रॉपर एग्जैक्ट फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। एक नजर देखे रहेंगे तो अगर ऐसा ही प्रॉपर एक्सप्रेशन देकर के ऑप्शन पूछ रहे हैं तब वो सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप बस इतना याद रखिए कि ये जितने भी एनर्जी टर्म इसमें आते हैं सेमी इंपीरिकल मास फार्मूला में, उस फार्मूले में
ये लोग a के पावर कितने पर डिपेंड करते हैं, तो vs cap, तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 2/3 और -1/3 -1 -3/2, ठीक है ना, -1/3 -1 -3/2 ऐसे कर करके दिमाग में फिट कर लीजिए ये ऑर्डर और vs cap, तो क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम एनर्जी टर्म a पावर 1, सरफेस एनर्जी पर टर्म a पावर 2/3, इसका, ठीक है। तो ये चीज इस पूरे टॉपिक का मेन कंक्लूजन यही है, अदरवाइज कोई बहुत ही डेप्थ में कुछ करने की जरूरत नहीं। डिटेल में इसको भी हमने पढ़ा दिया है, आपको लेक्चर ऐप के ऊपर प्रोवाइड करा दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बहुत अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए बस खत्म ही होने वाला है, 5 मिनट और लगेगा। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, तो दो लगभग समान न्यूक्लियर मास वाले न्यूक्लियस में टूट जाता है, इसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ठीक है। इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 235 होता है 0.7% और यूरेनियम 238 जो होता है वो होता है 99.3%। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका यूरेनियम ये 238 है, ये क्या करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब जब ये फेनोमेना होती है, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो ये न्यूट्रॉन आगे इस चेन रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि इन न्यूट्रॉनों को, इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉनों को ये आपका यूरेनियम 238 जो मिला रहता है आपके नेचुरल यूरेनियम के अंदर, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे फिर रिएक्शन को रोक देता है, ठीक है। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इमिटेड इन इज एब्जॉर्ब बाय दिस और रिएक्शन रुक जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्पीड को ही कम कर देते हैं, कम स्पीड होगी तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता उसको, तो कम स्पीड करने के लिए कितनी चाहिए लगभग हमें, 0.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी उसके अगर हम कर दें तो उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मॉडरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉनों की एनर्जी को कम करने के लिए, ताकि चेन रिएक्शन कंटिन्यू बना रहे। दूसरा चैलेंज यह है चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, कि अगर आपकी फिजनेबल सब्सटेंस का साइज एक पर्टिकुलर मिनिमम साइज से कम हुआ तो फिर चेन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपको चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखना है तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब होने से बचाना होगा, उनकी एनर्जी को घटा करके यहां पर लाना होगा, नॉर्मली इतनी होती है उसको घटा करके यहां लाना होगा मॉडरेटर का इस्तेमाल करके। दूसरा चैलेंज यह है कि फिजनेबल सब्सटेंस का जो साइज होना चाहिए वो एक मिनिमम क्रिटिकल साइज से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो तभी ये फिजन का प्रोसेस होगा, अदरवाइज फिजन का प्रोसेस नहीं होगा। तो फिजन के लिए जरूरी है क्रिटिकल साइज या उससे बड़ा साइज, ठीक है। एक टर्म है रिप्रोडक्शन फैक्टर, जो बताता है रेट ऑफ इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन इमिट हुए और कितने न्यूट्रॉन लॉस हुए, उनके रेशियो को हम रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं। आप देखिए अगर के की वैल्यू आप करें एक से ज्यादा है, इसका मतलब जो न्यूट्रॉन इमिट हुए उनकी संख्या ज्यादा है और जो लॉस हुआ वो कम है, तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन बचे रहेंगे, रिएक्शन होता रहेगा। तो इफ के इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब साइज बड़ा है क्रिटिकल साइज से, रिएक्शन चल रहा है, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रॉन बचे रह सकते हैं, ये होता है एटम बम के अंदर। अगर के की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब फिजनेबल सब्सटेंस का साइज क्रिटिकल साइज के बराबर है, और अगर ये बराबर है तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल। इसमें क्या होगा, जितने न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं उतने ही लॉस भी हो रहे हैं, इसका मतलब एक भी न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, आराम आराम से चलेगा, अचानक से रिएक्शन बड़ा नहीं होगा, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसी स्टेट को हम क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है क्रिटिकल स्टेट में क्या होता है, तो क्रिटिकल स्टेट में यही होता है कि न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, और के की वैल्यू 1 से कम है तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, के की वैल्यू 1 से कम होने का मतलब कि इमिट जितना हो रहा है उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, तभी तो 1 से कम आएगा, तो लॉस ज्यादा हो गया इसका मतलब एक भी न्यूट्रॉन बचा ही नहीं आगे चलने के लिए, तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। और इसका दूसरा तरीका यह भी है कि साइज जो है क्रिटिकल साइज से कम हो गया होगा, चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये तीनों टर्म आप याद रखें न्यूक्लियर रिएक्टर उसके फैक्टर के लिए। बोहर और व्हीलर ने क्या किया था, एक थ्योरी दिया था, बोहर और व्हीलर ने एक थ्योरी दिया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर, और इन्होंने इसके बेसिस पर क्या किया था, न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस होता है कि कैसे वो न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बटा, उसको एक्सप्लेन किया था। तो आप याद रखें कि बोहर और व्हीलर ने न्यूक्लियर फिजन को लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पर सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, यही बताया कि आप यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन डालते हैं
तो वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने से धीरे धीरे उसका शेप इलिप्स के जैसा चेंज होता है। अब यहां पर न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इसको दोबारा से अपने शेप में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन वही न्यूक्लियस के अंदर काम करने वाला जो रिपल्सन वाला फोर्स है और आपने बाहर से जो एनर्जी दिया था, ये दोनों मिलकर के इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और होता क्या है कि अगर आपने प्रॉपर मात्रा में सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करी है तो ये एक्सटर्नल एनर्जी जो आपने दी है वो और न्यूक्लियस के अंदर जो रिपल्सन वाला फोर्स है वो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को डोमिनेट कर जाते हैं और ये पहले ऐसे कन्वर्ट होता है डंबल के शेप में, फिर क्रिटिकल कंडीशन में आता है, फिर यहीं से ये ब्रेक हो जाता है और दो अलग अलग लगभग इक्वल मास के न्यूक्लियाई और तीन न्यूट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे लिक्विड का कोई ड्रॉप है ना, वो ऑसिलेट होते 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 ऐसे कन्वर्ट होते होते ऐसे टूटता है, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर न्यूक्लियस का फिजन भी, न्यूक्लियर फिजन भी होता है। ये समझाया था बोहर और व्हीलर ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के इस थियरी के बेसिस पर, ठीक है, सक्सेसफुल्ली। बस इतना ही था। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप जानते हैं इसलिए हमने यहां कुछ और नहीं लिखा है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देख लीजिए। मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करने के लिए ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने के लिए ताकि रिएक्शन कंट्रोल हो जाए, बहुत ज्यादा तेजी से ना हो। तो कैडमियम और बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, आप कह लीजिए पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड का। कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको मेंटेन करने के लिए, बहुत ज्यादा हीट ना रहे नहीं तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो हीट को रिमूव करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हैवी वाटर, CO2 और लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तीनों के तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में और कुछ नहीं जानने की जरूरत है। और एक इंपॉर्टेंट यहां से सवाल आता है कि ऐसा कौन है जिसको हम कूलेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और मॉडरेटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हमारा हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर यानी D2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बस खत्म, लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो कहानी खत्म हो जाएगी, थैंक यू बोल देंगे आपको। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हल्के हल्के न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक थोड़ा भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि यहां जो एनर्जी आपको दिख रही है वो बहुत कम दिख रही है न्यूक्लियर फिजन के रिस्पेक्ट में। वहां 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, यहां पर सिर्फ 21 दिख रही है। आपको लग रहा होगा कि यहां पर कम एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पर ज्यादा, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि यहां पर अगर आप ऐसे ऐसे मोटा मोटा जोड़े दो दो चार और छह न्यूक्लियॉन मिलकर के, छह न्यूक्लियॉन जब कंबाइन होते हैं रिएक्शन करते हैं तो आपको 21 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है छह से। तो आप जरा देखिए एक पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, लगभग आप कह लीजिए तीन से ज्यादा, तीन से तीन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी एक न्यूक्लियॉन की वजह से मिल रही है। वहां पर यूरेनियम 235 था, उसमें आपने न्यूट्रॉन डाला था, कुल मिलाकर के ये मान लीजिए 235-36 कर लीजिए और एनर्जी आई थी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 236 न्यूक्लियॉन से मिला 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो एक न्यूक्लियॉन की वजह से कितनी एनर्जी मिली, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। तो टोटल देखने पर आपको लग रहा है कि ज्यादा है ये कम है ये, लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये ज्यादा है और ये कम है। पर न्यूक्लियॉन के डिस्ट्रॉय होने से या पार्टिसिपेट करने से, उनके फ्यूल की तरह यूज होने से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, जबकि इसमें देखा जाए तो एक से भी कम मिल रहा है ना। तो ये एक से भी कम है और ये तीन से भी ज्यादा, बहुत अंतर हो गया। तो यही चीज हमने यहां पर पहली लाइन में लिखी हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप चूंकि न्यूक्लियॉन्स को आपस में कंबाइन करके एक भारी न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इनको कंबाइन करना चाहेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ना, रिपल्सन होगा इनके बीच में, तो कैसे आप उनको आपस में चिपका सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो उन रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी होगी, तब जाकर के वो कंबाइन होंगे, बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन ये होती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन वही होगा जहां पर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 10^7 या 8 केल्विन के ऑर्डर के टेम्परेचर की जरूरत होती है न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए। इसीलिए सन के पास इस लेवल का टेम्परेचर होता है, और आपको पता है सन के पूरे उसमें देखा जाए कोर में तो 90% जो उसका भाग है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है ना। तो इनके बीच में सन पर क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन वाला प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है इन सारी कंडीशन की वजह से, ये सब अवेलेबल भी है और ये सिचुएशन भी अवेलेबल है, और इसी वजह से सन से लगातार हमें काफी मात्रा में एनर्जी मिलती रही है। उसका मेन कारण क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है वहां पर हो पाती है।
अगर आपको धरती पर कराना है तो पहले आपको इतना टेम्परेचर क्रिएट करना होगा, फिर आप ये रिएक्शन करा पाएंगे। यानी पहले आपको एटम बम फोड़ना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कराना होगा, फिर इस लेवल की हीट जनरेट होगी, फिर फ्यूजन कराना होगा, फिर और ज्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो सन और ये जो हाइड्रोजन बम की हम बात करते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में अब हम एक एक लाइन थोड़ी बताना, जो क्लास 12th में या 11th में पढ़ते वो सब पता ही है और कुछ है भी नहीं इसके अलावा, यही सब बातें थी उसमें। ठीक है, तो बस अब आपकी इच्छा पूरी हो गई और फाइनली आप लोग 100 से कम भी हो गए। विकास सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर सिलेबस में है क्या सर? मैं बता देता हूं न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों नहीं रहेगा, जब आप फिजन और फ्यूजन की बात करें तो अपने आप वो आ गया पहली बात। दूसरी बात, आपके सिलेबस में बहुत सारी जगहों पर मिस्टेक है। एक लाइन आप पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स में, तीसरी लाइन में नीचे से फिजन फ्यूजन के बाद दिया हुआ क्या, एलिमेंटरी रिएक्टर फिजिक्स, एलिमेंटरी रिएक्टर फिजिक्स। तो या तो ये एलिमेंटरी पार्टिकल का रिएक्शन ये बोले होंगे, है ना, एलिमेंटरी रिएक्शन फिजिक्स, एलिमेंट्री जो रिएक्शन होते हैं पार्टिकल के, या तो इनके कहने का मतलब ये था एलिमेंट्री और फिजिक्स के बीच में रिएक्टर गलती से आ गया है जो कि पहले लिखना था, तो न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए था और उसके बाद एलिमेंट्री फिजिक्स लिखना चाहिए था क्योंकि उसके जस्ट बाद एलिमेंट्री पार्टिकल है। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है सिलेबस में आपके कई जगहों पर, तो उसी बेसिस पर यही है कि रिएक्टर लिखा हुआ तो इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर ही होगा और एलिमेंट्री और फिजिक्स के बीच में रिएक्टर लिखा हुआ, इस वजह से यह गलत मुझे लगता है। और एलिमेंट्री फिजिक्स का मतलब फिर वही एलिमेंट्री पार्टिकल आ गया जो हमने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इस यूनिट का अभी आपके पास क्या क्या होमवर्क बचा है मैं बता देता हूं, फिर आपको छोड़ता हूं, बस दो मिनट और लेंगे। इसमें आपका पार्टिकल एक्सीलरेटर में आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ना है और लीनियर एक्सीलरेटर के बारे में, लाइन एक्स जिसको बोलते हैं वो पढ़ना है, और सुपर कंडक्टिविटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये छोटे छोटे दो तीन पॉइंट ये हो गए। इसके बाद आपका मान लीजिए पूरा क्वांटम फिजिक्स है जिसमें हमें एक एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स में कुछ बेसिक चीजें हैं और एक चीज है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब पूरा तो है तो आपका मॉडर्न फिजिक्स लेकिन उसमें हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बचे हैं, इसके बाद 23 या 24 इस पूरे यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास बहुत लेंदी हो जाती है इसलिए बहुत सारे टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हम चाह रहे थे कराना, लेकिन आपकी हालत को देखते हुए और समय को देखते हुए अब मुझे अपना प्लान बदलना होगा और मैं मतलब कम से कम प्रीवियस ईयर तो कराएंगे। एडिशनल क्वेश्चंस का थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि जो थियरीज बची हुई हैं अभी उनको भी अगली क्लास में बताना है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप जो थोड़ा परेशान होंगे तो शायद उसको एक्सप्लेन भी करना पड़े, तो वो थियरी बताएंगे उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे। आपका मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही लंबा और कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल यूनिट भी था, कवर हो जाएगा और हमने एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं, हर टॉपिक को समराइज किया है और ऐसे ही आगे करके ही पूरा करेंगे। ठीक है, और घबराइए नहीं, आगे के आपके कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जिसका मैक्सिमम टॉपिक, मैक्सिमम मतलब मैं कह रहा हूं 98% अच्छे तरीके से ऑलरेडी कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल थर्मल फिजिक्स, है ना, और तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थर्मल फिजिक्स में आपके दो तीन पॉइंट अगर छोड़ दिए जाए, और वो भी ऐसे टॉपिक हैं जो छोड़े भी जा सकते हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे टॉपिक बेहतरीन तरीके से थियरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर उसका हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है, तो आप लोग जैसा बताएंगे वो तो एकदम सेकंड यूनिट है आपका शुरुआत से, तो हो सकता है थर्मल फिजिक्स में आए और अगर सिचुएशन सही नहीं रही तो उस पूरे यूनिट को ही छोड़ देंगे। कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, क्वेश्चंस अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सब प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें हैं हमारे पास, ऑप्शन है, बट मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो मिसिंग भी थे और मुझे लग रहा था पढ़ाया जाना चाहिए, और समय रहा तो थर्मल में भी यही तरीका अपनाएंगे, बट नहीं रहा तो फिर थोड़ा स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, बस लाइव में हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा भाई आपका मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक हमें डिस्कस करने होंगे जो बच गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, उसके भी टॉपिक ऐप के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब पर नहीं ऐप पर है अवेलेबल वो सारे टॉपिक जो यहां मिसिंग है, और थोड़ा सा ये डिफ्रैक्शन के कुछ एक दो पॉइंट है, वो ज्यादा कुछ है नहीं। मॉडर्न फिजिक्स जैसा टॉपिक कहीं पर नहीं छूटा है, सबसे ज्यादा इसी में था, और जो छूटा था अभी उसका ज्यादा कवर भी नहीं हुआ जो कि कल की क्लास में हो जाएगा।
ठीक है, पांच मिनट कह के हमने काफी क्लास ले लिया, टाइम ले लिया आप लोगों का। तो अब यहीं पर इस क्लास को अब रोकनी होगी और अब आप लोग आराम कर सकते हैं। मेरी हालत तो खराब हो चुकी है और इसका पीडीएफ हम आपको अभी तो नहीं दे पाएंगे, अब कल देंगे सुबह में इसका पीडीएफ और जो भी इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह हैं। और अगला जो आपका लाइव होगा वो कल, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि थोड़ी सिचुएशन खराब हो जाती है हर क्लास के बाद और आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, तो कल अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज परसों आपकी अगली क्लास होगी मॉडर्न फिजिक्स की लास्ट क्लास। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि ये जो भी क्लास होती है इस क्लास के समाप्त होने के बाद, अभी आप लोग जो चैट कर रहे हैं वो लाइव चैट आ रहा है, तो क्लास के बाद जैसे इसके पहले के दो आपके क्लास जो हो चुकी है, मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं, उनके कमेंट में जाकर के आपको उस पूरे ओवरऑल जो भी पढ़ाने का और कंटेंट का हर एक तरीका है वो सब कुछ मिला करके आपको एक अपना फीडबैक देना है। वैसे मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था तो उसमें से 81% लोगों का था कि बहुत ही अच्छा है, 11% लोग थे जो कह रहे थे शायद अच्छा है, इसके बाद जो बाकी लोग बच गए वो कह रहे थे एवरेज है, या कुछ लोग कह रहे थे खराब है, कुछ लोग कह रहे थे बहुत खराब है, और कुछ 1-2% लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या था, तो वो नन ऑफ दीज में थे। तो वैसे वहां पर मैंने रिव्यू करा लिया, लेकिन जितने भी वीडियोज हैं पिछले दोनों और ये, उसमें जाकर के आपको अपना फीडबैक जरूर देना है। अगर आपको अच्छा लगता है वो भी लिखना है, बहुत अच्छा लगता है वो भी लिखना है, एवरेज लगता है वो भी लिखना है, बहुत खराब लगता है तो वो भी लिखना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, एनालिसिस करके सुधारूंगा। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं चाहता हूं एक्चुअल में आप जेन्युइन फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि मुझे और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप उसमें से हैं जो जिनको लगता है कि बहुत ही खराब पढ़ाया और आपको लगता है कि मैं कमेंट करूंगा तो फिर सर कहेंगे कि पढ़ते भी हैं और ऐसा कमेंट भी करते हैं, तो फिर ऐसे में आप कमेंट मत करिएगा। ठीक है ना, अगर आपको पकड़े जाने का डाउट है तो आप मत करिए, लेकिन जिनको कुछ भी कहना है वो एकदम फ्री है, स्वतंत्र हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना फीडबैक जरूर देंगे लाइव के समाप्त होने के बाद। ठीक है, बस यही था और आज के लिए इतना ही, तो आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।